बेटा अभी तक इस लेक्चर के पहले तक हम लोगों ने टोटली पूरा अपना लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन की जितनी थ्योरी वाली चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर लिया है। डिस्कस करने का इन द सेंस कि हमने उसके बारे में बातें कर ली हैं ना, उनके बारे में नोट्स वगैरह भी हो सकता है तो आप लोग रेडी किए होंगे तो हो चुका होगा, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि आज वाले लेक्चर को छोड़ के इसके पहले जितने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन के जो मैंने 7 वीडियोज़ दिए हैं, उन सातों में है ना 5 ऐसे थे जो लेक्चर वाले हैं, 2 न्यूमेरिकल्स वाले हैं। तो अभी रिसेंटली जो 7वां लेक्चर किया है वो हमारा थ्योरी वाला था, यानी कि लेंस और ह्यूमन आई से रिलेटेड था, ठीक है। और प्रिज्म वगैरह वाला पोर्शन भी उसी में हमने कवर किया था। तो आज का जो लेक्चर चलेगा वो न्यूमेरिकल बेस रहेगा। आज न्यूमेरिकल बेस कहने का मतलब कि हमने पहले ही बताया था कि हम किस तरीके से हर एक चैप्टर को टारगेट करेंगे, फिर उसके थ्योरेटिकल पार्ट्स को पहले डिस्कस करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट्स के बारे में जानेंगे, एंड देन उसके बाद उसके जितने पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं आपके सिलेबस में उनको इंक्लूड करते हुए एक वीडियो सॉरी एक अलग लेक्चर प्रिपेयर करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो इस सिक्वेंस में देखिए 2 वीडियोज़ ऐसे हैं या 2 ऐसे लेक्चर दिए जा चुके हैं जो रिफ्लेक्शन फिनोमेना पे बेस्ड थे, ठीक है, वो न्यूमेरिकल वाले। आज एक और लेक्चर आपको देने वाला मिलने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लेंस, ठीक है, और रिफ्रैक्शन पे, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर लेंस फार्मूला, पावर ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, ये जो टर्म्स थे जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लासेस में, इन टर्म्स में हम न्यूमेरिकल आज करने वाले हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल का वही तरीका, फिर हमने पहले बताया कि क्या करेंगे हम कि किसी एक दो दो, दो या तीन बुक्स को सेलेक्ट करेंगे, फिर उनके क्वेश्चंस वगैरह को है ना कंप्राइज करके, समराइज करके आपको उन्हीं को यहाँ डिस्कस कराया जाएगा। बाकी तो ठीक है, और भी कई सारे तरीके हैं, तो शुरुआत करते हैं, है ना, लेट्स बिगिन। और फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल्स वाले पोर्शन को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ फॉर्मूले जो हमने पढ़ रखे हैं इस चैप्टर में, उनसे कुछ समय के लिए पहले हम क्या हो जाए, उनसे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो जाए कि एक्चुअली वो फॉर्मूले थे क्या, उनमें क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, ठीक है, और उनमें क्या खास बात याद रखनी है हमको, ताकि जब भी हम न्यूमेरिकल्स देखें बेटा सॉल्व करने जाएं तो हमारे दिमाग में उस फॉर्मूले मतलब वो एग्जैक्ट फार्मूला, फिर उस फार्मूले में मौजूद टर्म, फिर उन टर्म्स के लिए क्या स्पेशल कंडीशन होती हैं, क्या स्पेशल चीज़ें याद रखनी होती हैं, ये सारे माइंड में रन करते रहने चाहिए ताकि हम इजीली हमारा अप्रोच क्वेश्चंस की तरफ रहे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले उन फार्मूले से जो हमने इन चैप्टर में पढ़ रखे हैं, लाइक लेंस फार्मूले और अदर। तो जैसे पहला हमने चैप्टर में पढ़ रखा था फार्मूला जो कि था, ठीक है, आज ये पूरा सेशन कैसा चलने वाला है, न्यूमेरिकल वाला सेशन चलने वाला है, ठीक है, न्यूमेरिकल का ये क्लास आ जाए। तो ठीक है, इसमें पहले हमने पढ़ा था क्या क्या आपको याद रखना है, जैसे हमने पढ़ा था लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है, ये इसमें u क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना, v क्या था, इमेज डिस्टेंस, और f क्या था, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ये सारी चीजें थी जो हमने पिछले, एक ये फॉर्मूला। उसके बाद क्या आपने जानना था, हमें जानना था मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो कि एम से डिनोट किया जाता था, ठीक है, एम की वैल्यू का और हमारे सामने आई थी वो 3, एक्चुअली थी तो ये आई बाई ओ है ना, और यही रिलेट किया गया था वी बाई यू से, ठीक है, ये फॉर्मूले थे। और कोई फॉर्मूला था आपके पास, मुझे नहीं लगता होगा, बाकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात करेंगे। फिलहाल शुरुआत में आपने 2 फॉर्मूले देखे थे, एक लेंस फॉर्मूला था 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और एक था लीनियर मैग्निफिकेशन वाला जो कि m इज इक्वल टू i / o इज इक्वल टू v / u था। बात क्या ध्यान रखनी थी इसमें कि v क्या था, v है इमेज का डिस्टेंस, भाई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जो जहां पे इमेज बनता है ना, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द पॉइंट वेयर इमेज इज फॉर्म्ड इज नोन एज इमेज डिस्टेंस, है कि नहीं, यानी कि जहां पे इमेज बना है और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, इमेज डिस्टेंस, तो वी है वो, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी ऑप्टिकल सेंटर से कितने डिस्टेंस की कितने डिस्टेंस पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है वो कौन गिवन देगा, ये यू देगा। एफ क्या है, आपके लेंस का फोकल लेंथ है, ठीक। दूसरी चीज हमने याद रखनी थी इसमें मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले थे, और भी क्या बात ध्यान देनी थी, हमने बताया था कि अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इमेज क्या होगा, इमेज हमारा क्या होगा, इरेक्ट होगा, ठीक है। और आपको पता है कि इरेक्ट इमेज हमेशा क्या होते हैं, वर्चुअल होते हैं। जनरल केस में आप देखेंगे ना तो जितने भी इरेक्ट इमेज मिलेंगे वे क्या होंगे, वर्चुअल होंगे,
ठीक। और अगर एम की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इमेज क्या है, इमेज हमारा इन्वर्टेड है, ठीक है, इमेज हमारा कैसा है, इन्वर्टेड इमेज है और रियल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये मैं एक कंक्लूजन निकाल के मैं बता रहा हूँ, अभी जब हम कैलकुलेशन करेंगे न्यूमेरिकल से करके वैल्यूज फाइंड करेंगे तो आपको दिखेगा कि पॉजिटिव वैल्यू अगर इनकी आ रही है तो वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, अगर इनकेस नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है। तो पहले इन्हें जानते रहिए, अगर एम की वैल्यू यानी कि लीनियर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आपका इमेज इरेक्ट, यानी कहने का मतलब हम क्या बता रहे हैं यार कि हम जब भी किसी इमेज लेंस से मिरर से किसी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन देखते हैं तो हमें उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, वही ना, ऑब्जेक्ट का नेचर, पोजीशन, साइज, ये सारी बातें, ठीक है। तो नेचर यानी क्या, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है ना, रियल है कि वर्चुअल है, और पोजीशन मतलब ऑप्टिकल सेंटर के रिस्पेक्ट में या ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूरी पर बना है, या लेंस या मिरर के फ्रंट में बना है या बैक बना है, भाई नेचर, पोजीशन, साइज, यही सारी चीज़ें हमें डिफाइन करनी होती है ना। तो उसी चीज़ को ये जो लीनियर मैग्नीफिकेशन का जो साइन है वो इसके नेचर को बताएगा कि इरेक्ट है कि इन्वर्टेड, ठीक है। और क्या बात ध्यान रखनी है, और बात ध्यान रखनी है यहाँ पे कि अगर एम की वैल्यू ग्रेटर देन वन आती है, ठीक है, यहाँ से देखिए एम की वैल्यू ग्रेटर देन वन आने का क्या मतलब है, अगर ये पूरी वैल्यू वन से बड़ी होनी है तो क्या इसका मतलब होगा, यानी ये न्यूमरेटर जो है, सॉरी, जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे, डिनोमिनेटर यानी कि ऑब्जेक्ट की साइज, वो न्यूमरेटर से छोटी होगी, भाई ये फ्रैक्शन है ना, इसकी वैल्यू इससे ज्यादा कब होगी, जब ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाले से बड़ा हो, यानी कि न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तभी ना वन की एम की वैल्यू से, यानी कि एम की वैल्यू अगर एक से ज्यादा आती है तो इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से क्या होगी, बड़ी होगी। तो इस केस में क्या लिखेंगे, साइज ऑफ इमेज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। अगर एम की वैल्यू आपकी लेस देन वन आती है तो इस केस में ये लिख देंगे, क्या लिखेंगे, साइज ऑफ इमेज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इतना बस समझ में आ रहा है। यानी कि लेंस फॉर्मूले के साथ साथ लीनियर मैग्नीफिकेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू आना क्या इन्फॉर्मेशन देगा और ग्रेटर देन वन और लेस देन वन होना क्या होगा, अगर एम की वैल्यू वन आ जाएगी तो वन आ गई तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की साइज जो है, सॉरी, इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से क्या है, बिल्कुल इक्वल है, यहाँ पे आई इज इक्वल टू ओ हो जाएगा, ठीक है। और क्या बात बतानी थी हमको, फिलहाल लेंस फार्मूले और लीनियर मैग्नीफिकेशन तक हमको सिर्फ इतनी बात ही समझानी थी कि मतलब कि अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे, भाई एफ यू वी की वैल्यू साइन के साथ पुट करेंगे, और मैंने मैग्नीफिकेशन से बताया कि अगर मैग्नीफिकेशन कहीं ऐसा आता है तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज हम याद रखिएगा, यहाँ पे जब भी हम न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे तो जो यू है, जो एफ है, उसको, और या यू कह लीजिए कि वी, इन सबको साइन के साथ पुट करेंगे। साइन कहने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन ध्यान देते हुए, ठीक है। वो कैसे होगा, वो तो हम मिरर में हम लोग करते नहीं थे, जिस तरीके से देखिए साइन कन्वेंशन मिरर फॉर्मूले, मतलब कि रिफ्लेक्शन प्रोसेस के लिए जो साइन कन्वेंशन थे, यानी मिरर के लिए जो साइन कन्वेंशन थे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, वही साइन कन्वेंशन हमारे लेंस के लिए भी वैलिड है, ठीक है। तो वो एक बार मैं रिकॉल करा दूंगा यहीं पे, तो चलिए रिकॉर्डिंग करा देते हैं। जैसे अगर हमने क्या लिया, साइन कन्वेंशन लेना है, तो अगर मान लीजिए हम एक लेंस ले लेते हैं यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, तो ये हमारा साइन वगैरह, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका ले लेते हैं। चलिए तो देखिए होता क्या है, जनरली हम बार बार कह रहे हैं कि देखिए मिरर का ये वाला पार्ट इसका फ्रंट साइड कहलाता है ना, लेफ्ट, जनरली वो कहते हैं कि फ्रंट साइड, ये मिरर का बैक साइड है, फ्रंट और बैक वाला साइड। तो होता क्या है, जनरली ऑब्जेक्ट को हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और मिरर के फ्रंट में रखते हैं, ठीक है। तो अब रे इधर से आएंगी, ठीक है, तो होता क्या है, रेज के डायरेक्शन में अगर हम अपने डायरेक्शन को लेते हैं तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, लेकिन रे के अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम मूव करेंगे तो डायरेक्शन नेगेटिव होगा। इसका मतलब देखिए, ऐसे कहने से समझ नहीं आ गया, देखिए कैसे होगा, हमने क्या किया कि बस इतना हम कहते थे कि अगर हम इस साइड मूव करते हैं, अगर हम इस साइड मूव करने का मतलब ऑब्जेक्ट को अगर इधर रखेंगे तो डेफिनेटली हमको इस साइड मूव करना पड़ेगा, और अगर कहीं इमेज इधर बन गया तो डेफिनेटली इधर मूव करना पड़ेगा। जनरली इमेज इधर भी बन सकता है, यानी मिरर के फ्रंट में भी बन सकता है, मिरर के बैक में भी बन सकता है, बट
हम देखेंगे कि कौन से साइड को पॉजिटिव किसको नेगेटिव, वो डिपेंड करेगा कि मूव किधर कर रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं मान लीजिए ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है तो आपको डेफिनेटली मिरर के पोल सॉरी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में जाना पड़ेगा। तो लेफ्ट में जाने वाले जितने भी डायरेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। यानी अगर आप इधर मूव करते हैं तो क्या आप अपने आप को अपने शान को लेंगे नेगेटिव, यानी यू अगर इधर रखा हुआ है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी। जितनी मैग्नीट्यूड में कितनी होगी वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है। अगर कहीं मान लीजिए आपको इनकेस इधर मूव करना पड़ गया है ना, मतलब कि कभी कभी होता क्या है कि इमेज इन जनरल इधर बनते बनते कुछ ऐसे केस आते हैं जो इमेज इधर भी बनने लगते हैं, तो अगर इमेज इधर बन रहा है तो इस केस में हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इमेज नहीं मतलब कि यू और वी दोनों में से कोई भी अगर इधर इनकेस आ जाता है तो हम क्या लेंगे, साइन उसका पॉजिटिव लेंगे। बात समझ आ रही है, क्यों, क्योंकि देखिए ना इधर से जो रे डायरेक्शन ऑफ रे है ऑब्जेक्ट से जो रे चलेगी, ये रे का डायरेक्शन है, तो देखो ना रे का डायरेक्शन इस साइड है और हम मूव कर रहे हैं इधर, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है कि नहीं। तो यदि हम रे के डायरेक्शन में रे के डायरेक्शन के अपोजिट मूव करते हैं तो हमें अपने साइन को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। इसी को ऐसे बोला जाता है कि इफ वी मूव अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ रे देन आवर देन साइन विल बी नेगेटिव, ठीक है, तो वो नेगेटिव लिया जाएगा। लेकिन ये देखो रे का डायरेक्शन इधर है और मूव भी इधर हो रहा है, यानी सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। एक इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, या एक और तरीका है कि हमारे लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है उसको हम मूल ओरिजिन मानते हैं और इसके लेफ्ट साइड में जितने भी ये लेफ्ट साइड वाले जितने भी रीजन होते हैं उनको क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है, और राइट साइड वालों को क्या लिया जाता है, पॉजिटिव। ये भी समझ सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप अब अपवर्ड मूविंग करेंगे तो आप पॉजिटिव अपने डायरेक्शन को लेंगे और डाउनवर्ड मूविंग करेंगे तो नेगेटिव, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन जैसा मिरर के लिए था सेम लेंस के लिए भी यही साइन कन्वेंशन है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्लियरली गिवन रहेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो आप वहां से समझ जाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट में रखा है या राइट में, आप वहां से भी इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन ये थे और लेंस फॉर्मूले में ये क्या इनकी वैल्यूज क्या है वो, मतलब ये क्या डिफाइन करते हैं वो पता चला, और लीनियर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव या ग्रेटर देन वन लेस देन वन या इक्वल टू वन के बराबर आने का क्या मीनिंग निकलता है, इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं, पहले सारी चीज समझ तो लें, ये सारी चीज समझ में आएगी। अब इसके बाद बस हमारा एक चीज और आपको समझाना रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, जरा उसको समझ लेते हैं फिर हम न्यूमेरिकल सीधा स्टार्ट करेंगे। इसको यूज करते हैं, इरेज कर दिया जाए आज। आई होप कि बिल्कुल लास्ट न्यूमेरिकल का ये लेक्चर होगा, क्योंकि इसके बाद अब आपको जो लेक्चर मिलेंगे क्लास टेंथ के टॉपिक के, ठीक है। आज ये क्लास टेंथ के लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लास्ट वीडियो है न्यूमेरिकल को इंक्लूड करते हुए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोज मिलेंगे वो आपके इलेक्ट्रिसिटी वाले मिलेंगे, या हो सकता है बताया जाएगा एज इट इज। तो अब क्या बताना था हमको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताना था, ठीक है। वैसे बता तो चुके हैं लेकिन क्या है इनका मतलब, क्या एक बार रिकॉलिंग जरूरी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए मैं कह रहा हूँ, मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लोग स्मॉल एन से भी डिनोट करते हैं और म्यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, म्यू पढ़ते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्मॉल एन से भी डिनोट किया जाता है और म्यू से भी डिनोट किया जाता है, आप परेशान नहीं होंगे, हम पूरे न्यूमेरिकल्स में एन को लेकर के चलेंगे, ठीक है। हम एन से डिनोशन उसका लेंगे, आप एन की जगह म्यू भी रख के समझ सकते हैं। और एक चीज बात याद रखिए कि ये जो अगर हम इसमें याद करें तो पहले हमको याद कर ध्यान आता है हमारा स्नेल लॉ, ठीक, जो क्या था, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या था भाई, ये था हमारा वी वन बाई वी टू, ठीक है, या इसी को हम कहते थे एन टू बाई एन वन, ठीक है। एक ये आप स्नेल लॉ याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को इसके थ्रू भी लगाएंगे, इसके हेल्प से भी लगाएंगे, और टी आई आर के केस में तो इसी के हेल्प से हम कंडीशन भी निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए ये किया फॉर्मूला में ध्यान रखना है। दूसरी चीज इसमें क्या क्या थे पता है आपको, वी वन क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, ठीक है। वी वन को क्या बोलते थे ऐसे ही बता देते हैं, वी वन को क्या बोला जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। वी टू क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। एन टू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। और एन वन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ठीक है। इसके बाद हम आते थे, हमें जो ज्यादा बात करनी होती थी वो थी हमारी जनरली वन एंड टू का मतलब क्या है, ठीक है।
इसका इसी को जनरली देखो लोग ऐसे लिखते हैं N2 1, ठीक है, घबराए नहीं, वैसे दोनों चीज एक ही है, वन को पहले लिख दिया वन एन टू या N2 1, दोनों का मीनिंग सेम होता है, बस डिनोशन थोड़ा डिफरेंट है। मीनिंग क्या होता है इनका, ऐसे होता है ना कि क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, दोनों की देखिए सेम मीनिंग है, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। आपको जो इजीएस्ट वे लगे आप उस वे में इस चीज को रिमेंबर किए रहे हैं, बट मैं बता दूं कि इन दोनों का इन दोनों डिनोशन का मीनिंग क्या है, सेम है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम हम इस तरीके से प्रोनाउंसिएट करेंगे, और इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, प्रोनाउंसिएशन या मीनिंग सारा सेम है, बस डिनोशन थोड़ा इनका क्या है डिफरेंट है, ठीक है। जनरली अब इसी को कोई म्यू के फॉर्म में लिखेगा, इसी को कोई म्यू के फॉर्म में लिखेगा तो ऐसे लिखेगा μ12 या ऐसे लिखेगा इसी को μ21। समझ में आ गई, कोई परेशानी की बात नहीं, आप एन से म्यू से और जैसे भी समझे, ठीक है। तो मैं इसे भी इरेज कर रहा हूँ, इसको मैं लेके नहीं चल रहा था। तो ये इसका क्या मतलब होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, आपको पहले से पता था, ठीक। दूसरी चीज, अब इसके बाद क्या, देखिए कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी 3-4 मिनट तक मुझे जरूरी है बताना, क्योंकि वो हम न्यूमेरिकल्स कराते समय नहीं बता पाएंगे, हम सीधा कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यू आएंगे और सीधा वहां पे हम रिजल्ट लिखेंगे इसकी, सिंस दिस वैल्यू इज कम्स आउट दैट हैंस रिजल्ट विल बी, पर जो भी होगा तो वहां पे हम सीधा रिजल्ट वहां लिखेंगे, ठीक है। रीजन यही पे सारा क्लियर कर दे रहे हैं। चलिए इसके बाद क्या था, हमने वन एन टू की वैल्यू देखी थी जो कि क्या आया था N2 upon N1, ठीक है, समझ में आ रही है। यहीं से अगर आप वन और टू मीडियम को डिफाइन करना शुरू करते हैं, मान लीजिए हम या डब्ल्यू कर देते हैं या एन कर देते हैं या जी कर देते हैं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यही नहीं रीडिंग करेंगे प्रोनाउंसिएट करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या हो जाएगा, NG upon NW, ये भी याद रखेंगे। और दूसरी चीज ये भी याद रखेंगे, यहाँ पे जो रे है, जो लाइट है, ठीक है, रे ऑफ लाइट वो कहाँ से कहाँ जा रही है, वाटर से ग्लास में जा रही है, ठीक है। फर्स्ट मीडियम यहाँ पे वाटर है और सेकेंड मीडियम ग्लास है, तो अगर कहीं इस तरह की चीजें लिखी हैं तो उनका क्या क्या मीनिंग आता है वो समझ लीजिए। मीनिंग ये आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, NG upon NW से, ठीक है। दूसरी चीज, WNG का मतलब क्या है, रे ऑफ लाइट वाटर टू ग्लास में एंटर कर रही है, वाटर टू ग्लास में, यहाँ पे फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम में एंटर कर रही है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, वाटर से किस मीडियम में एंटर कर रही है, ग्लास में। अगर कहीं ये ऐसा हो जाता G and W हो जाता तो आप क्या लिखते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होल डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, या यहाँ पे एरिया ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, ग्लास से वाटर में जा रही है, बात समझ में आ रही है, ग्लास से वाटर में जा रही है। रेयर टेंसर की अभी मैं नहीं बात कर रहा, वो तो क्लियर दिख ही रहा होगा, है ना। तो बस मैं अभी भी बता रहा कि ये स्पेशल केस था, उसी से हमने इन चीजों को डिफाइन किया कि इनका मतलब क्या होगा, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई, तो एक चीज और आपको जानना था कि वन एंड टू का मतलब क्या होता है, वन अपॉन टू एंड वन, ठीक है। ये हमने प्रूफ भी करवाया था क्या, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। बोलना बहुत आसान है, वो बोलना और साथ ही साथ समझना दोनों बहुत ईजी है, ठीक है। तो अगर इसी रिस्पेक्ट में हम इनको डिफाइन करते तो ऐसे करते WNG, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 1 upon रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, सॉरी वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये रेसिप्रोकल रिलेशन होता है कि नहीं, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 1 upon रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। यानी रेसिप्रोकल रिलेशन हमें समझाना था, सो हमने समझाया। फिर जी एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू एन जी, वन एन टू, टू एन वन, इन सब का मतलब क्या निकलता है, क्या मीनिंग है, ये हमने आपको यहाँ क्लियर किया, ठीक है। अच्छा, अगर इतनी चीजें आप समझ आएंगे तो अब देखिए यहाँ पे क्या था, एक्चुअली यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही कंपेयर करके हम समझा रहे थे, ठीक है। अब क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उस पर्टिकुलर मीडियम में लाइट ऑफ स्पीड, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट से भी अब हम कंपेयर करके बताने वाले, ठीक है। यानी इसे हम इरेज करते हैं, चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए ये भी जान लिया
क्या मीनिंग निकलने थे सब सारी इन चीज़ों की, और अब क्या बताना है वो ध्यान दीजिए। अब था हमारा कि देखिए अभी अभी हमने देखा वन एन टू इज इक्वल टू क्या मिला, एन टू बाई एन वन, ठीक। लेकिन इसी के साथ एक चीज और भी होती है, वन एन टू आपका होता है वी वन अपॉन वी टू, बिल्कुल मत भूलिएगा इस चीज को, ठीक है। ये बहुत चीज जरूरी जाना, वी वन क्या था हमारा, यहाँ पे हम लिखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। वी वन को हम बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, और वी टू क्या है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। समझ में आ गया। तो वन एन टू अभी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से कंपेयर किया तो एन टू बाई एन वन मिला, और ये क्या था वी वन अपॉन वी टू, ठीक है। और क्या बात जानेंगे आगे, ये भी चीज जानेंगे कि देखिए जनरली होता क्या है कि यहाँ पे, ठीक है, अगर हमने एक बार भी एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की बात अभी डिफाइन नहीं की, देखिए उसको बताते हैं कि अगर मान लीजिए ए एन जी होता तो क्या हम कहते हैं इसको, ए एन जी होता तो, यानी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो बताइए इन दोनों मीडियम में आज एक एयर, या मैंने बताया था कि जब एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डिफाइन करते हैं तो इसको क्या नाम दिया जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है कि नहीं, एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वैल्यू क्या मिलेगी आपको, एन जी अपॉन एन ए मिलेगा, यानी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। आपको पता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है, वन होता है, यानी यहाँ से ए एन जी अगर आप निकालें तो आपको एन जी सिर्फ मिलेगा। सिमिलरली अगर आप ए एन डब्ल्यू निकालते हैं तो क्या मिलता है आपको, एन डब्ल्यू मिलता है, ठीक है। ये भी ध्यान आप रखेंगे, यानी कि अगर एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कह दिया तो आप इन सब की जगह सीधा एन जी भी लिख सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी इसकी जगह आप ये सीधा पुट कर सकते हैं, और एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आप ये पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक। अच्छा अब इसके बाद था कि देखिए एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है जो कि n इज इक्वल टू सी बाई वी होता है, n इज इक्वल टू सी बाई वी, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। क्या था इसमें एक्चुअली, ये कुछ खास है नहीं, ये आपका पता है, अगर आप इसको g कह दें g, तो ये आपका g है और ये आपका एयर है एन जी। देखिए उसी चीज को सिंपली मैंने डिफाइन कर दिया, क्या है ए एन जी यानी सी अपॉन वी जी, ये जो ए एन जी है आपने एन जी अपॉन एन ए करके निकाला है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के टर्म में निकाला है, लेकिन हम स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में निकालें तो क्या मिलेगा, सी अपॉन वी जी, ये ए एन जी आपका है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इट इज ऑल्सो एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, बट यहाँ पे इसको हमने रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के टर्म में ओपन किया है या बताया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम इसको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के टर्म में नहीं, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में बता रहे हैं। तो देखिये ए एन जी मतलब क्या है, यहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि सी क्या है यहाँ पे, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। और वी जी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कौन सा मीडियम, ग्लास मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आप याद रखेंगे, एन जी मतलब ये होगा, और अगर कहीं ए एन डब्ल्यू हो गया तो आप सी अपॉन वी डब्ल्यू भी लिखने में जरा सा देरी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है। और दूसरी चीज सी क्या होगी, सी है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, और वी डब्ल्यू क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर या इन मीडियम वाटर, सिंपली वाटर कह दीजिए क्योंकि डब्ल्यू वाटर को डिनोट कर रहा है, तो ऐसा करेंगे, ठीक है। तो अब इसके आगे मुझे कुछ और चीजें रिकॉर्डिंग नहीं करानी है, सारी चीजें हमने बता रखी कि कब क्या मीनिंग होगा, इन सब का मतलब क्या होगा, अगर साइन पॉजिटिव नेगेटिव आता है तो उनका मीनिंग क्या होगा, हमने सब क्लियर कर रखा है। अब हम सीधा अपने न्यूमेरिकल से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल का एक सीक्वेंस होगा, पहले हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पे जितने टाइप के अपने सिलेबस में क्वेश्चन है पहले उनको हम सॉल्व करेंगे, उनको यहाँ पे प्रैक्टिस की जाएगी उस पर, उसके बाद हम लेंस फॉर्मूले पे चलेंगे, फिर वहीं पे फिनिश कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसे इरेज करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं, चलिए, जो कि आज का पूरा सेशन इसी का चल रहा था, तो नो प्रॉब्लम। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर वन जैसे अगर होगा तो क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे नोट किया हुआ, तो अगर नोट किए हैं तो भाई बताया जाए, तो देखते हैं दिया इसमें, द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.47, ठीक है।
क्या है यहाँ पे, माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इतना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। देखिए क्या सिंपल है कि लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर रहा है जिस, और उस ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है, तो आपको उस ग्लास में लाइट की स्पीड पूछ रहा है। कुछ नहीं करिए, आसानी से आप क्या करिए, गिवन देखिए क्या है इसमें, गिवन आपका है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी एनजी दिया हुआ है 1.50 और वैक्यूम इन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी कि सी दे दिया है आपका 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, वीजी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, वो भी तो वही बस निकालना है। यानी हम यहाँ से क्या जानते हैं, एनजी इक्वल टू फिर से एक बार सी अपॉन वीजी, ये तो और आसान हो गया पहले जाने जैसा। वीजी क्या जाएगा 3×10⁸ होल डिवाइडेड बाई 1.50 यानी कि वीजी आप यहाँ से निकालेंगे ना तो आपका आ जाएगा करीबन 3/1.50×10⁻¹० मीटर पर सेकेंड। और सॉल्व करिए इसको तो वीजी आ जाएगा आपका एक ही बार में 1/ ठीक है, या यूँ कह लीजिए 0.02×10⁻¹० मीटर पर सेकेंड, यानी कि वीजी आ जाएगा वही है ना भाई, पॉइंट बढ़ाएंगे 0.00300 यानी कि 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। लोग कैलकुलेशन बस था, बाकी क्वेश्चन में कुछ खास थोड़ा नहीं था, बस नॉर्मली आसानी से मैं क्या गिवन था उसको फाइंड आउट किया और सिंपली फॉर्मूले लगा दिए, ये भी समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से इसके बाद इसे इरेज करते हैं, ठीक है इरेज करते हैं, ठीक है बहुत ठीक है आसान है। क्या देखिए क्या क्वेश्चन है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इतना गिवन है, इफ द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड मीडियम इज इतना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड, यानी कि स्पीड वैक्यूम में लाइट की स्पीड आपको गिवन है और वो लाइट किसी मीडियम में एंटर कर रही है, वो मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो बताइए वहां जाकर के उसकी स्पीड क्या होगी। सिंपल, वैक्यूम में थी यानी एयर में लाइट अभी ट्रेवल कर रही थी, अब वो किसी ग्लास में एंटर कर गई है, अब ग्लास में एंटर करके तो ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है, तो आप ग्लास के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की हेल्प से और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन दोनों की हेल्प से उस पर्टिकुलर ग्लास में उसकी क्या स्पीड होगी वो जरूर बता सकते हैं। सिंपली फिर से वही चीजें, गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड एनएल क्या है 4/3, सी की वैल्यू क्या है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमको अभी वही फॉर्मूला पता है क्या है, एनएल अगर अप्लाई करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड, सॉरी हाँ बिल्कुल इन लिक्विड, यहाँ से क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड क्या हो जाएगा 3×10⁸ वैल्यू सीधा रख रहे हैं और एनएल कितना है 4/3, अगर आप इसको निकालेंगे तो 4 आपका रिवर्स हो जाएगा उधर वो 9/4×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स है तो फिजिक्स में हम डेसिमल में आंसर छोड़ते हैं, वो भी 1 डिजिट के बाद, तो आ जाएगा 2.25×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ठीक है, यानी देखिए शुरुआत के जो 3 हमने क्वेश्चंस कराए वो सारे सिर्फ वो तीनों क्वेश्चन इसी पर थे, क्या थे कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का, वो भी एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, एक्चुअली क्या है एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम या ऑफ लिक्विड, सिंपली ये कहेंगे एब्सोल्यूट इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे एक मीडियम फिक्स हो चुका है, कौन है वो एयर या वैक्यूम, और जब भी हम एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डिफाइन करते हैं तो उसका नाम होता है क्या एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। स्पीड के टाइम में देखा तो c/vl वैल्यूज रखा हमने, तो हमें यहाँ से vl मिल गया, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड इज इक्वल टू 2.25×10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे भी इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके बहुत आसान आसान क्वेश्चन लेंगे समझाएंगे ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए, और जरूरत हुई तो हम इसके अलावा और भी ढेर सारे न्यूमेरिकल्स के वीडियोस ले आएंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग में सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए हम सोच रहे हैं कि अभी सिर्फ अपने सिलेबस तक की चीजों को ही टच करके रखते रहे। ठीक है, अगला है ये तो बिल्कुल उसी का रिवर्स पूछ रहा है, खैर रिवर्स नहीं पूछ रहा है, बिल्कुल सही पूछ रहा है। देखिए क्या है, द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास इतना है, तो क्या है देखिए रिफ्रेक्टिव इंडिसेस वाटर और ग्लास का आपको गिवेन है, पूछ कह रहा है वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ज्यादा पजल नहीं होंगे, क्वेश्चंस पढ़ लिया ना, तो पहले रिफ्रेक्टिव इंडिसेस दिया हुआ है उनका, यानी कि क्वेश्चन में आपके गिवेन क्या है देख लीजिए, गिवेन में है
एनडी रिफ्रेक्टिव इंडिसेस ऑफ वाटर यानी एनडी दिया हुआ है 4/3 और एनजी कितना है ग्लास है ना 3/2 ये चीज आपको दे दी है। ठीक, क्या पूछ रहा है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो देखिए यहाँ पे अगर 1 और 2 रहता था तो आप क्या करते थे, आप क्या बोलते थे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम बोलते थे और वैल्यू क्या बताते थे N2/N1 बताते थे कि नहीं यही सब आई है। अब अगर हम क्या करें यहाँ क्या पूछ रहे हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो देखिए यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है ठीक है वो सेकेंड मीडियम हो जाता है और जिसका पूछता है वो हमारा कौन सा मीडियम होता है फर्स्ट मीडियम हो रहा होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट मीडियम यानी आप फर्स्ट मीडियम में क्या रखें W&G रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ये रीड करेंगे, लेकिन पूछ कह रहे हैं द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कह रहा है, हमने ये रिलेशन निकाला तो क्या हुआ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, हम इसका रिवर्स निकालना है तो हम क्या करते हैं इसको चेंज करना पड़ेगा हमको ये G&W करना पड़ेगा। अब मेरी बात समझ में आ रही होगी, देखिए इसीलिए मैंने इसकी मीनिंग क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैंने वहां पे एक्सप्लेन कर दिया था कि इनकी मीनिंग क्या होगी, जैसे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो यहाँ पे भी क्या होगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, समझ में आ गई। तो वैल्यू क्या होगी N W / N G, N W कितना है आपका वाटर है क्या यहाँ पे, तो ठीक है डीएम क्यू रख रहे हैं यहाँ पे हम N W कर दें सिंपल, N W है आपका 4/3 / 3/2 यानी आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये इन जनरल आपका चला जाएगा 8/9 आ गया वैल्यू, यानी कि G&W रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास आपका कितना आ गया 8/9 आया कि नहीं आंसर। इसी का अगर रिवर्स कर लेते हैं यानी कि W&G फाइंड करना था तो क्या करते हैं वो होता है 1/1/GNW यानी जो आंसर है उसी का रेसिप्रोकल, यानी यहाँ से आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर यानी इसी आंसर का रिवर्स अगर करते तो आपका आता 1/8/9 ठीक है यानी फाइनली निकालते हैं आप तो 9/8 ठीक है, तो एक दूसरे के रिवर्स भी है आई होप आपका समझ में आया होगा, यानी कि पर्टिकुलर 2 मीडियम इन्होंने इस क्वेश्चन में लिया और उन 2 मीडियम के पर्टिकुलर रिफ्रेक्टिव इंडिसेस गिवन दे दिए हम लोग को और अब क्या पूछ रहे थे कि इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इसका उसके रिस्पेक्ट में या इसका उसके रिस्पेक्ट में मीन समझ रहे हैं इसका उसका मतलब वाटर और ग्लास, तो आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये हो गया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्या होगा एक हम जैसे ही फिनिश करेंगे नेक्स्ट की तरफ टारगेट करेंगे है कि नहीं भाई, ऐसे ना होगा कि अगर एक को फिनिश करके वहीं पे अगर रुके ही रह गए हैं तो फिर क्या फायदा नथिंग, बाकियों को भी तो हमें फिनिश करना है, चलिए बाकियों को फिनिश करना है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है देखिए क्या है क्वेश्चन, द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस फिल्म ग्लास इज 1.6 एंड फॉर एल्कोहल इट इज 1.36 विथ रिस्पेक्ट टू एयर, व्हाट इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस फिल्म ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एल्कोहल। हम पहले ये कैलकुलेशन करने से पहले ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं पहले उसको देखते हैं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस फिल्म ग्लास 1.65 दिया है और एल्कोहल का भी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया है, लेकिन ये एल्कोहल का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो एयर के रिस्पेक्ट में है 1.36, तो पहले क्या करेंगे एयर के रिस्पेक्ट में जो एल्कोहल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है पहले वहां से एल्कोहल का एक्चुअल रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, जैसा कि यहाँ पे फ्लिंट ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सीधा मिला है ना, सिमिलरली एयर से क्या करेंगे पहले एल्कोहल का सेपरेट करेंगे, खैर वो तो वही वैल्यू आने वाली है कोई बड़ी बात नहीं है, फिर इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए क्या है इसमें गिवन क्या है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या है फ्लिंट ग्लास है ना एनजी रख दें सीधा क्या है आपका 1.65 ठीक है। अच्छा और चीज क्या है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल है ना, तो एल्कोहल को देखो जनरली आप जाकर केमिकल फॉर्मूला इसका जब हम पढ़ेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड में तो आपको पता चलेगा कि एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जनरली OH का होता है ठीक है, तो मैं OH से रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या है इस बार 1.36 ठीक है, और आपको पता है ये क्या है एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल ही तो है, और यहाँ से अगर आप निकालेंगे ना तो एल्कोहल का जो एग्जैक्टली रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आएगा यार इसको अगर सेपरेट करोगे तो क्या मिलेगा AnOH क्या आपका आएगा
एन ओ एच रिफ्लेक्टेड रेस ऑफ ओ एच अपन रिफ्लेक्टेड रेस ऑफ एयर, ये एक वैल्यू ए वन होती है, मल्टीप्लाई करोगे ना तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल, ये एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल भी कितना होगा 1.36। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कुछ खास नहीं करना था। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास 1.65 है गिवन, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल है यू कह लीजिए एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल 1.36 है, ठीक है। तो फिर अच्छा यहाँ से ये एब्सोल्यूट आया है और वो नहीं है तो खैर वो तो एब्सोल्यूट ही मान के चलेंगे, तो ठीक है। डेंस फिल्म ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल, यानी कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल ये पूछ रहा है। देखिए एक ही स्टेट, ये क्या है, ये छोटा सा जो सिंबॉलिक फॉर्म में हमने लिखा है ये इतने बड़े स्टेटमेंट है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस फ्लिंट ग्लास, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस फ्लिंट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एल्कोहल, बस समझ में आई। तो वैल्यू क्या होगी यहाँ से, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास अपॉन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल, फ्लिंट ग्लास है आपका 1.65, ये आपको 1.36। सेपरेट करेंगे ना इसको, डेसिमल अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 1.65 1.36, यानी कि करीबन 1. समथिंग क्या 36 लगा दीजिए तो आपका कितना बच जाएगा 32 320, और दो बार में रह जाएंगे 1.2 समथिंग आएगा, ठीक है, आगे भी जाता जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फाइनली आंसर आया है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट डेंस फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल इज इक्वल टू 1.2 समथिंग, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, अब तक जितने भी मैंने 4-5 क्वेश्चन बताए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से परेशान होंगे, बस पढ़िए उनको, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको राइट डाउन करिए, और क्या कैलकुलेट करना है उसको सटीक पहले उसका मीनिंग जानते रहिए, क्योंकि हम पहले ही चीजें डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा, बस वर्ड की बात है, वर्ड प्रॉब्लम हो गया है, मिटा रहे हैं इसको, थोड़ा फास्ट मिटाना पड़ेगा, ठीक है। क्या था कि With respect to air, refractive index of ice is 1.31 and that of rock salt is 1.54. Calculate the refractive index of rock salt with respect to ice. देखिए rock salt, ice वगैरह क्या है, ये तो कुछ नाम है, अभी chemistry में आप जानेंगे, rock salt आगे चल करके आपको देखने को मिलेगा जब हम chemistry के उस chapter को carbon and compound में जब हम metallurgy वाला topic पढ़ेंगे तो वहीं पे आपको ढेर सारे वो ओल वगैरह का नेमिंग याद रखना पड़ेगा, तो वेल नो प्रॉब्लम, आप वहाँ याद कर लीजिएगा। फिलहाल इतना समझिए कि आइस का एयर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि एयर के रिस्पेक्ट में आइस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया है 1.31 और एयर के ही रिस्पेक्ट में रॉक सॉल्ट का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया है 1.54। आपसे किसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, रॉक सॉल्ट का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आइस के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, यानी कि एयर के रिस्पेक्ट में आइस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया है और एयर के ही रिस्पेक्ट में रॉक सॉल्ट का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया है। फाइंड क्या करना है, रॉक सॉल्ट का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बताना है आइस के रिस्पेक्ट में, बहुत अच्छा। तो नो प्रॉब्लम, क्या करेंगे, गिवन पहले देख लेंगे क्या है, गिवन में क्या है, एयर के रिस्पेक्ट में ना, तो ए एन आइस है ना, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है भाई 1.31, बात समझ में आ रही है, अच्छा। और वहीं पे क्या है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट है ना, सॉल्ट सिंपल देख देते हैं आप समझ लीजिएगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉल्ट या रॉक सॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है 1.54। तो बताइए अब रॉक सॉल्ट का आइस के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इनके डाटा से पहले एक्चुअल इनका क्या है वो निकाल लेंगे, वो अगर आप निकालेंगे ना तो मैं फिर से बता रहा हूँ वही आने वाला जो पहले आएगा, ये आपका मिलेगा 1.31, नहीं तो करना तो देख लीजिए क्या करेंगे, यहाँ से एन आइस निकालते हैं आप, लिखते क्या एन आइस, यानी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस नहीं होता एक्चुअली, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, यानी कि यहाँ से आपका आता ये दिया हुआ है 1.31 into 1, यानी कि एग्जैक्टली 1.31 वैल्यू आती। सिमिलरली रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या रॉक सॉल्ट आपका कितना आ जाता है यहाँ से 1.54, सेम क्वेश्चन। तो फाइंड क्या करना है आपको, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू आइस ठीक है, क्या हो जाएगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट होल डिवाइडेड बाय रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस, यानी यहाँ से रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू आइस इज इक्वल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉल्ट कितना है 1.54 और आइस कितना है 1.31। सिमिलरली एक कैलकुलेशन अगर आप करेंगे जैसे पिछला हमने किया था, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू आइस
क्या मिलेगा आपको 154 डिवाइडेड बाय 131। कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू तो वो जनरली आपको मिलेगी, क्या मिलेगी देख लेते हैं, 1.31 है ना, 3 जगह 23 और 23 तो 0 260, 1.1 समथिंग आएगा, ठीक है 1.1 करके आगे चल करके आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो ये अगर क्वेश्चन हो गया तो फिर वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जितने इसमें पॉसिबल बन सकते हैं सारे करवा देते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद सीधा हम लेंस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो इसे भी लेंस करते हैं। देख रहे हैं द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में लाइट की स्पीड दी है इतनी है, कोई मीडियम एक्स है उसमें भी लाइट की स्पीड इतनी है और कोई मीडियम वाई है उसमें भी लाइट की स्पीड दी हुई है 2.5, ठीक है 2.5। तो आपसे फाइन पूछ क्या रहा है, तीन चार चीजें पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है, फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विथ रिस्पेक्ट टू एयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप देखिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, जब भी किसी पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में बताया जाता है तो उसे एब्सोल्यूट बोलते हैं, यानी हम इसको ये भी बोल सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई। चलिए ये हो गया, तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स। एक्चुअली क्या है ये, देखिए ये एयर के लिए क्या है, सिंपली सी है ये, ठीक है, और एक्स के लिए क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, सॉरी स्पीड है ना, तो ये हो जाएगा वी एक्स और ये क्या हो जाएगा वी वाई। देखिए मैं शॉर्ट में ये बता रहा हूँ कि ये चूंकि एयर में लाइट की स्पीड है तो उसको सी से डिनोट किया, मीडियम एक्स में लाइट की स्पीड है तो उसको स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई वी वाई को, ठीक है। तो चलिए ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चूंकि देखिए अब यहाँ पे पूरे डाटा अगर आप देखेंगे तो कहीं भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया नहीं है, सभी मीडियम की स्पीड दी है लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो हमारा स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में भी होता है और पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में भी होता है, तो चूंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट और लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में दी है तो हम उसी रिलेशन को यूज करेंगे जिसमें लाइट की स्पीड मौजूद है। जैसे ANx अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या हो जाएगा c होगा कि नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है, देखिए क्या कह रहा हूँ मैं, स्पीड ऑफ लाइट सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, गलती हो गई है, ये नहीं होगा, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यानी कि c अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स, ये सही होगा, बस मैंने स्पीड ऑफ लाइट के लिए सीधा सीधा इक्वेट करते हैं, ठीक है, तो सी अपॉन वी एक्स, तो बताइए ये आपको फाइंड करना है, सी आपको मालूम है वी एक्स मालूम है तो क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो एयर यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर सी है आपका 3 × 10⁸ होल डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई वी एक्स, कितना है भाई वी एक्स है आपका 2 × 10⁸ में ना कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से आपका ये जो वैल्यू आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर आ जाएगा 3/2, इसी को आप लिख सकते हैं 1.5, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड केस में क्या है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन किसमें मीडियम वाई, तो यहाँ से आपका फाइनली कैलकुलेशन आएगा स्पीड ऑफ लाइट सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विद रिस्पेक्ट टू एयर 3 × 10⁸ होल डिवाइडेड बाई व्हाट 2.5 × 10⁸, कैलकुलेट कर लीजिए इसको यहाँ से, अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आपको मिलेगी अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो 3.25 यानी कि 30/25 है 30/25 यानी अगर आप इसको देखेंगे तो 6/5 मिलेगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से ये जो वैल्यू आपकी आई है विथ रिस्पेक्ट टू एयर वाली वो आई है 6/5 यानी कि 1.2, बहुत अच्छी चीज है ना। और लास्ट आपका था ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम एक्स क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स कितना है 2 × 10⁸ और ये 2.5 × 10⁸, कैलकुलेट कर लीजिए ये आपका आ जाएगा 2/2.5 यानी 20/
20.5 यानी सॉरी 25 यानी कि फाइनली कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4/5, ठीक है, यानी 0.8। तो नो डाउट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आप प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत सारे चाहे जहाँ से भी अगर आप प्रैक्टिस करें, तो इन जनरल मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आप आसानी से उनको कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लेंस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। इसके लिए मेरे पास एक पर्टिकुलर बुक है, मैं उन्हीं को लेकर सॉल्व करवा रहा हूँ, मिला रही इसको, ठीक है। An object of 4 cm high is placed at a distance of 10 cm in front of convex lens of focal length 20 cm. Find the nature position. ठीक है, similarly देखिए lens formula और mirror formula बिल्कुल मतलब लगभग एक जैसे होते हैं, बस उनमें साइन का डिफरेंस होता है। तो हम कि वही अप्रोच करेंगे, क्या गिवेन है लिखेंगे, फिर किन फॉर्मूले से हमें फाइंड आउट करना है उन फॉर्मूले को लिखेंगे और कैलकुलेशन अपना करेंगे। तो गिवेन क्या है जरा ये सब देखिए। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 cm हाई यानी ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है 4 cm हाई यानी कि ओ दे दिया हुआ है, कितना 4 cm। मैंने पहले बताया था ओ क्या है, ओ डिनोट्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड आई विल डिनोट्स हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 cm, अब कॉन्वेक्स लेंस के सामने 10 cm की दूरी पर रखा हुआ है, तो यहाँ देखिए यू दिया हुआ है 10 cm। अब बताइए कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, डायग्राम बनाएंगे, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इसके सामने ऑब्जेक्ट को आप रख दिए हैं, तो इधर आप चलेंगे और इधर चलेंगे तो साइन क्या होगा, नेगेटिव, यानी ये -10 होगा। साइन समझ में आ रहा है, माइनस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये लेंस के ठीक सामने रखा हुआ है। और फोकल लेंथ 20 cm यानी एफ की वैल्यू इस बार कितनी है 20 cm। और कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए एफ की वैल्यू होती है कितनी है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉन्केव लेंस के लिए नेगेटिव होता है। तो नो डाउट्स यू वी वगैरह सब पता है, तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, नेचर पोजिशन है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो एक काम करते हैं कि पहले ये m इज इक्वल टू हमको क्या पता है, वी अपॉन यू मालूम है कि नहीं, बताइए m की वैल्यू वी बाई यू पता है, तो यहाँ पे आज m नहीं दिया है, ठीक है, ओ दिया है, तो कोई बात नहीं, ओ दिया है ना। तो पहले मैग्निफिकेशन के हेल्प से फाइंड आउट करें या एफ और यू के हेल्प से फाइंड आउट करें, देखिए एफ दिया है आपको, यू दिया है और ओ दे चुका है, ठीक, नेचर पोजिशन साइज वगैरह पूछ रहा है, तो ठीक है, क्या दिक्कत है, शुरुआत करते हैं। अच्छा बताइए अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं 1/f = 1/v-1/u, तो एफ पता है आपको, यू पता है, वी मिल जाएगा, वी मिल जाने से क्या पता चल जाएगा, उसके ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता हो जाएगी, सॉरी इमेज की पोजीशन पता हो जाएगी, तो ठीक है कोई बात नहीं। 1/20 = 1/v फाइंड आउट कर रहा है, माइनस यू माइनस के साइन रखेंगे तो ये 1/-10 यानी कि यहाँ से 1/20 = 1/v + 1/10 और सॉल्व करेंगे तो 1/v = आ जाएगा 1/20 - 1/10 यानी कि 1/v आपका मिलेगा, 10 और 20 कैल्सियम 20 मिलेगा आपको, देखिएगा तो 10 × 9, ठीक है, तो 21 - 2 यानी कि 1/v = -1/20 वाओ, और वी क्या आ जाएगा -20 cm, ठीक, देखिए वी -20 cm आ चुका है, ठीक। और अभी इसको यहीं पे रहने देते हैं, एक चीज और निकाल लेते हैं, वी -20 cm आ गया ना, साइज पूछ रहा है इमेज की, साइज के लिए क्या यूज किया जाएगा, ओ दिया हुआ है तो फिर ठीक है कोई बात नहीं, अगर ओ आपको दे दिया है तो साइज के लिए आप फॉर्मूला यूज करिए v/u = i/o, ठीक है यार, क्या परेशान होना है, हमको लीनियर मैग्निफिकेशन के कई रिलेशन पता है ना, ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में भी हमें रिलेशन पता है, और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में भी रिलेशन पता है, तो इसी का यूज कर लेते हैं, v/u = i/o, पता है v कितना है -20, u कितना है वहां से देखिए -10 = i, आपको फाइंड आउट करना है o कितना है 4, यानी ये कैलकुलेशन करेंगे आप तो 2 यानी i यहां से आपका आ जाएगा 8 cm। तो लीजिए आपको नेचर पोजीशन साइज सब कुछ मिल गया, अब लिखेंगे कैसे, क्या क्या, देखिए v आपका -20 cm यानी कि इमेज नेगेटिव, सॉरी v आपकी v की वैल्यू नेगेटिव आई, इसका मतलब जो इमेज बना है वो लेंस के सामने बना है, यानी इमेज इज फाउंड इन फ्रंट ऑफ लेंस, नेगेटिव शो कर रहा है, और कितने डिस्टेंस की दूरी पर है, मतलब कितने डिस्टेंस पे, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक।
और इमेज की जो साइज कितनी है, इमेज की साइज कितनी है 8 सेंटीमीटर, यानी हम यहाँ पे ये लिखेंगे फाइनल की इमेज इज ठीक है, क्या है नेगेटिव साइन आया है ना वी का, यानी इधर है, इधर बना हुआ है। अच्छा रियल और वर्चुअल कैसे आप पता करेंगे, एम की वैल्यू से पता कर लेंगे, हाँ एम की वैल्यू से पता कर लेंगे। यार देखिए ये तो पोजीशन पता चला कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है, नेगेटिव साइन से पता चला कि वो कैसा बना है, वर्चुअल बना है, सॉरी रियल बन चुका है, ठीक है सामने है ना उसके मिरर के ठीक सामने है, तो यानी कि रियल बना है, रियल बना है और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है, और साइज कितना है ऑब्जेक्ट की कंपेरिजन में 2 टाइम्स है। लेकिन इरेक्ट है या इन्वर्टेड उसके लिए आपको एम निकालना पड़ेगा ना, तो एम यहाँ से निकाल लो, वी बाई यू या आई बाई यू करके, आई आई 8 और वो है 4, यानी एम की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव का मतलब इरेक्ट। और जाहिर सी बात है देखिए बार बार जरूरत नहीं होगी एम की वैल्यू निकालने की, आप ये तो मैंने ठीक है एम से निकलवा के आपको बता दिया, लेकिन आप नेगेटिव साइन से भी पता कर लेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि कैलकुलेशन के साथ करें, एम को भी निकालते हुए करें। तो एम यहाँ पे पॉजिटिव आया है, यानी इमेज इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में 2 टाइम्स बिगर होगा, और पोजिशन क्या होगी 20 सेंटीमीटर, इमेज इज इरेक्ट कॉमा वर्चुअल एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस, और क्या है टू टाइम्स लार्जर। बात समझ में आई है, यानी कि ये सारी चीजें लिखने के पहले हमको भी पता करना पड़ेगा आई एम है ना, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या फाइंड आउट करना है क्या नहीं फाइंड आउट करना है। बात समझ में आई, तो ये मुझे इरेज टिक कर दो, कुछ किया नहीं हमने, बार बार मैं कह रहा हूँ हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे प्रॉपर तरह से, प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे उन प्रॉब्लम में क्या गिवन है उसे लिखेंगे विथ साइन, साइन के साथ, फिर उसके बाद फॉर्मूले हम वहाँ पे रखेंगे, फॉर्मूले में उनको साइन के साथ पुट करेंगे, फिर जैसे जैसे वैल्यू निकालते जाएंगे फिर वी क्या इन्फॉर्मेशन देगा एम क्या इन्फॉर्मेशन देगा हमको पता ही है। एम प्लस टू प्लस का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या है इरेक्ट है, चूंकि पॉजिटिव है यानी इरेक्ट हो गया। अब आई 8 सेंटीमीटर का है, वी नेगेटिव है यानी -20 सेंटीमीटर का मतलब कि माइनस बताता है कि वो मिरर के सामने बना है, मिरर के फ्रंट बना हुआ इमेज कैसा होता है हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट नहीं, इरेक्ट है ना तो वर्चुअल नहीं होगा रियल होगा ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि इरेक्ट इमेज हमेशा कैसे होते हैं रियल होते हैं, इरेक्ट है ना, इरेक्ट यानी कि सॉरी वर्चुअल होगा, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए था लेकिन हो रहा है। इरेक्ट मतलब क्या है, यानी कि उल्टा इमेज बना है सॉरी सीधा बना है, और सीधे इमेज हमेशा कैसे होते हैं वर्चुअल भी हो सकते हैं और रियल भी हो सकते हैं। इरेक्ट यानी कि सीधा इमेज है ठीक, और सीधा इमेज हमेशा कैसा होता है आपका वर्चुअल ही होता है, और जो इन्वर्टेड इमेज होता है वो रियल होता है, ठीक है कोई बात नहीं हो गया क्लियर ठीक है। तो इमेज इरेक्ट भी है और वर्चुअल भी, कैसे ठीक है कन्फ्यूजन हो जाएगा कभी कभी ठीक है, इनकेस हम लोग को भी कैलकुलेशन करते करते बोलता क्या इरेक्ट है कि वर्चुअल है कि क्या है, तो उसके लिए हम फोकस होते हैं किस पे, उनकी वैल्यूज पे, एम वी यू की वैल्यूज पे और उनके साइन पे। कैसे फोकस होता है, जैसे देखो -20 सेंटीमीटर यानी कि मिरर्स के सॉरी लेंस के पोल्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है, माइनस का मतलब उसके सामने बना है, और लेंस के सामने इमेज बनना मतलब आप समझ रहे हो वो एक्चुअली रियल बन जाएगा ठीक है, वर्चुअल तो बनने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि वर्चुअल कब बनेगा जब वो पीछे जाकर के बनता है, क्योंकि सामने बन रहा है तो रियल, लेकिन इरेक्ट कैसे आ सकता है यहाँ पे, है ना यहाँ थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, वी बाई यू से निकालिए, वी कितना है -20 और यू कितना है -10, यानी एम की वैल्यू अभी भी 2 आ रही है पॉजिटिव। देखो भाई सीधी सी बात है, हम डायग्राम्स नहीं करा रहे हैं, हम सीधा पता समझा रहे हैं, हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट क्या है इरेक्ट है, और इरेक्ट ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज कैसा है इरेक्ट है, और इमेज इरेक्ट इमेज हमेशा कैसे होते हैं इरेक्ट यानी सीधा, यानी कि वो वर्चुअल होता है, बिल्कुल करेक्ट है ओके। तो कभी कभी कन्फ्यूजन हुआ तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू लगा देख लिया करिए, वो खुद ब खुद सारी चीजें क्लियर कर देगा। एम यहाँ पे पॉजिटिव है ठीक है, पॉजिटिव का मतलब इमेज हमेशा कैसा होता है इरेक्ट होता है ठीक है। दूसरी चीज
और वर्चुअल कैसे है, क्योंकि एरिया की इमेज हमेशा क्या होते हैं, वर्चुअल होते हैं। तो इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विच प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर एट एन ऑब्जेक्ट प्लेस 27। बिल्कुल सही, यानी कि हमें उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ बतानी है जो कि किसी ऑब्जेक्ट का इमेज 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनाता है, जबकि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा गया हो, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्लियरली दिया है। क्या यू कितना है आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक, माइनस में क्योंकि इन फ्रंट ऑफ लेंस रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये क्या है, विच प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। ये देखिए एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर ये उसकी पोजीशन दे दी है, v की वैल्यू 50 सेंटीमीटर दे दी है। अब पॉजिटिव या नेगेटिव देखिए वो रियल या वर्चुअल बोल रहा है, क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है। और वर्चुअल इमेज आपका पता है जैसे लेंस या अगर कॉन्वेक्स लेंस हम ले लें, ठीक है, तो ये तो जनरली आपका रियल इन्वर्टेड मैक्सिमम केसेस में रियल इमेज ही बनाता है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा केस आ जाता है जब हम, याद करिए, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रख देते थे, तो इसका इमेज कैसे होता था, देख रहे हैं आप, देखिए इसके फोकस से जाता था, ठीक, और ऑप्टिकल सेंटर से गई लाइन ऐसे चली जाती थी, तो इसको पीछे मिलाने पर, इसको पीछे मिलाने पर कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेप्ट करता था ना, तो इस केस में वर्चुअल इमेज बनता था। यानी एक ऐसा केस है कॉन्वेक्स लेंस के केस में कि जहां पे वर्चुअल इमेज बनेगा, तो वर्चुअल इमेज तो खैर पोजीशन होगी 50, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव वो देख लीजिए, इमेज इस बार किधर बना है, जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उधर ही इमेज बना है, देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट आपका इस मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, सॉरी लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस रखा हुआ है, लेकिन इमेज भी उधर ही बना जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है। यानी कहने का मतलब हम ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इस केस में बी क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। देखिए इस केस में बी आपका कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अगर बी आपका इस साइड आता तो भी पॉजिटिव होता, इस साइड अगर बी आपका पॉजिटिव आता, खैर एक मिनट, ऑब्जेक्ट रे के गलती होगी, देखिए रे डायग्राम आप समझिए, हम यहाँ ऑब्जेक्ट को नहीं लेंगे, हम ऑब्जेक्ट से निकलने वाले रे के डायरेक्शन को लेंगे, या सिंपली आप वो समझिए, मैं अभी साइन कन्वेंशन में बता रहा था, तो मैंने बताया था साइन कन्वेंशन बताते समय कि हम रे के डायरेक्शन को भी एक बार रिस्पेक्ट में लेकर के अपने साइन को लेंगे, और एक बार पॉजिटिव, एक बार लेफ्ट घूम रहे हैं तब कि राइट घूम रहे हैं, या अप घूम रहे हैं तब, या डाउन घूम रहे हैं तब, हम इससे भी समझाएंगे। तो अब हम हर क्वेश्चन के लिए अप डाउन लेफ्ट राइट वाला ही लेंगे, मतलब अगर हम ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में जाते हैं ऑब्जेक्ट को देखने के लिए चाहे इमेज को देखने के लिए, अपने साइन को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अगर राइट में जाते हैं तो अपने साइन को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर ऑप्टिकल सेंटर से अप डाउन में जाते हैं तो पॉजिटिव, और डाउन साइड में आते हैं तो नेगेटिव। इस केस में बताइए, मिटा देते हैं, इस केस में बताइए जो इमेज बना है वो ऑप्टिकल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में बना है, तो इस केस में भी क्या होगा, नेगेटिव। आपको पता है 1/f = 1/v - 1/u, यानी यहां से 1/f = आ जाएगा 1/v की वैल्यू रखेंगे -50 माइनस यू की वैल्यू देखिए 1/-20, ठीक है। तो यानी यहां से 1/f आपको क्लियर दिख रहा होगा, 1/f = 1/-50, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20, यानी कि फिर अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/f = आपका आएगा 20 और 50 का एलसीएम, ये माइनस है, ठीक है, 20 और 50 का एलसीएम देख लीजिए 10, ठीक है, 2 और 5, 10 2 जा 25 जा 100, तो ये हो जाएगा -2 + 5, यानी कि 1/f = आ जाएगा 5/-2 + 5 आपका हो जाएगा 3/100, यानी f की वैल्यू आ जाएगी 100/3, यानी 33.33 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर। देखो फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव ही आई, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ होता क्या है, पॉजिटिव होता है। तो नो डाउट्स आप बहुत रिलैक्स होकर करेंगे, कोई अगर माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो आपके आंसर भी डिफर नहीं करेंगे। देखिए कॉन्वेक्स लेंस का नेचर पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ का नेचर पॉजिटिव होता है, और बाय कैलकुलेशन हमने इसका वैल्यू भी पॉजिटिव निकाला भी, ठीक है। और वी की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव नहीं, देखिए यू की वैल्यू नेगेटिव लेना बिल्कुल क्लियर था, क्योंकि मिरर के फ्रंट में, सॉरी लेंस के फ्रंट में ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, लेकिन इमेज भी इस बार मिरर के फ्रंट में ही बना, ठीक है, तो कैसा बन गया है, वर्चुअल, यानी कि उसके लिए साइन क्या लेना पड़ेगा हमें, नेगेटिव। यानी कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय क्या क्या ध्यान रखना है,
सारे फॉर्मूले, उन फॉर्मूले में जो नेम जो टर्म मौजूद है उनका साइन के साथ क्या वो मैं इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो, और दूसरी चीज कैलकुलेशन करते समय उनके वैल्यूज को साइन के साथ भी पुट करना है, और अगर इन केस कभी कंफ्यूजन बनता है तो आप तुरंत रे डायग्राम का हेल्प लें, ठीक है। उस पर्टिकुलर केस के लिए रे डायग्राम बनाना शुरू कर दें, आपको वो बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि आप आपका अप्रोच सही है बुरा या गलत, यानी कि क्वेश्चन इसके मिस होने के कोई चांस नहीं है। आप प्रॉपर तरह से कैलकुलेट करें, साइन के साथ कैलकुलेट करें, पुटिंग करते हुए कैलकुलेट करें, आप सारी चीज़ें इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस पे अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, तो बुक्स वगैरह बहुत सारी हैं, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे, नो डाउट, तो नो कोई दिक्कत नहीं है, आप न्यूमेरिकल्स वगैरह करते रहिए। आज तक के लिए हमने जितने न्यूमेरिकल्स कराए जो कुछ भी, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी, दो तीन आपके लेंस वाले पे, बाकी अभी ह्यूमन आइज वगैरह वाला रहता है, उसके लिए अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एक और लेक्चर देकर उसको कवर कर दूंगा, नहीं तो यहीं पे हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन को फिनिश मानते हुए हम अब नेक्स्ट वीडियोज, अगर क्लास टेंथ का मिलता है तो अब क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन मेरे दिमाग में भी एक चीज और भी चल रही है, मैं सोच रहा हूँ कि एक दो और न्यूमेरिकल्स डाल दूँ, एक लेक्चर और, तो खैर देखते हैं उसके लिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बार बार क्या करेंगे, ढेर टाइप के क्वेश्चंस का डाटा चेंज करेंगे, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस लेंगे और उनका सॉल्यूशन आपके सामने देंगे। तो आई होप आपको इतने सॉल्यूशन से आइडियाज तो क्लियर हो ही गए होंगे। अगर आइडियाज क्लियर हो गए तो आप प्रॉपर तरह से घर पे कैलकुलेट करते रहिए इन चीज़ों को, प्रॉब्लम्स आए तो उसको हेल्प लीजिए, ठीक है। तो मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करते हुए सोच रहा हूँ कि अब टेंथ का जितने, यानी 10 भी अब तक 10 वीडियोस टेंथ के जा चुके होंगे, उसे कंप्लीट मानता हूँ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी का होगा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी से बिल्कुल शुरुआत करेंगे, जिस तरीके से लाइट की शुरुआत की थी उसे भी जानेंगे और वैसे ही करेंगे, ठीक है। और बाकी की इन्फॉर्मेशन क्या होगी, क्या कौन सा वीडियोज अगला नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा वगैरह वगैरह, ये आपको हमारे पोस्ट वगैरह कमेंट सेक्शन में आपको दिख जाएंगे।
चलिए दर्शन, अभी तक जितने भी मेरे कराए गए हैं है ना, अभी उस पर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कराई हमने, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस कराए हैं, और फिर लेंस फार्मूले पे कुछ एक दो प्रैक्टिस, ठीक है। तो आगे फिर अगली नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जो भी नंबर देखिए, क्वेश्चन की नंबरिंग आप लोग देख लीजिएगा, मैं बस लिखते जा रहा हूँ। क्वेश्चन सेम पे है, व्हाट इज द नेचर एंड पोजिशन पानी में। देखो स्टूडेंट्स, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्या है, क्वेश्चंस का एक तरीके से कह सकते हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 100 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, फाइंड नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। सेम वही प्रोसेस, देखिए अभी तक जितने न्यूमेरिकल्स आपको कराए गए यहाँ पे सॉल्व कराए गए, कुछ उसमें नया नहीं किया गया। कभी आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ देख करके, कभी इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता था, कभी इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देख करके फोकल लेंथ वगैरह। तो ठीक है, अच्छी चीज़ें हैं। अब उसी के थोड़ा आप वैसे ही सेम यही क्वेश्चन है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसमें गिवेन क्या है, आप देखेंगे एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 100 सेंटीमीटर, यानी कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी यू है ये, ठीक है। यू कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर रहने दो, चेंज नहीं करने वाले, 100 सेंटीमीटर। अब चूंकि पॉजिटिव नेगेटिव इज प्लेस्ड इतना फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, तो ठीक है अभी इसमें इन फ्रंट ही मान लेते हैं हम, चूंकि दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन फ्रंट ही मानेंगे 100 सेंटीमीटर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ। ये लेंस की फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर दी हुई, चूंकि अब पॉजिटिव की नेगेटिव, अब देखिए लेंस है आपका कन्वर्जिंग, ठीक है, और कन्वर्जिंग लेंस होता कौन सा है, सिर्फ कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। तो इसने यहाँ पे पॉजिटिव की वैल्यू, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, बात समझ में आ रही है। और यहाँ से आपको नेचर पोजिशन वगैरह के लिए, देखिए जब भी नेचर पोजीशन ऐसा पूछेगा, खैर साइज इसमें नहीं पूछा है, लेकिन नेचर पोजीशन साइज जब भी पूछे तो मैं बार बार कह रहा हूँ, जो चीज गिवेन रहती है उसको आप लिखिए, फिर फाइंड आउट करिए यू वी, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करिए, या फिर इमेज डिस्टेंस, क्वेश्चन के एज क्वेश्चन में जैसा रिक्वायरमेंट है, उसके बाद उसकी साइन भी, साइन इंफॉर्मेशन देती है, और साथ ही साथ लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी जरूरत हो जाती है। जब साइज वगैरह की बात की जाती है कि ऑब्जेक्ट के साइज के कंपेरिजन में इमेज का साइज कैसा है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए उस लीनियर मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करना, ठीक है। तो हम लिखते हैं, तो यहां से अगर आप देखें तो फिर आराम से, यानी कि क्या फाइंड आउट करना है, वही तो फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, और आई थिंक हमें लगाना चाहिए 1/f = 1/v - 1/u। चलिए कोई बात नहीं, तो रख देते हैं 1/14 = 1/v - ये लिखेंगे तो -1/100, समझ में आइए, यानी 1/40 = हो जाएगा 1/v + 1/100। आप यहीं से इसको रिप्लेस करिए, मीन्स रिप्लेस नहीं करना है, सॉरी सॉल्व करिए इसे, तो आ जाएगा 1/14 - 1/100 है ना, और सॉल्व करिए, यानी 1/20 कर लो, यहाँ से आ जाएगा क्या 100 और 40 का सम लेंगे, देखिए आपका आ जाएगा 10, यानी कि 4 और 10, ठीक है, फिर 10 20 40, क्या है एक्चुअली इसका 100 आप एलसीएम लेंगे ना, तो आई थिंक 10 से करेंगे ना, तो 10 और 4, ठीक, फिर 10 से करेंगे 100 200 400 आएगा एग्जैक्टली, तो हो जाएगा 10 बार में जाएगा 10 - 100, 4 बार में जाएगा तो 4, देखिए 40 * 10 और ये 100 4, तो ये 4, यानी 1/20 कर दो, यहाँ से आ जाएगा माइनस नहीं प्लस 6/400, यानी 1/20 कर दो आ जाएगा 3/400,
200, यानी वी की वैल्यू यहाँ से आपकी पॉजिटिव आई है और वो आपका है इसी का रिवर्स और डिवीजन के साथ 66.6 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? वी आपका इमेज लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से 66.6 सेंटीमीटर की पोजीशन हम इसके लिए लिखेंगे क्या, नेचर है पोजीशन है, तो लिखेंगे कि इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 66.6 सेंटीमीटर एंड एंड अब देखिए पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव मतलब क्या, यानी कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके अपोजिट में ये इमेज बना है, यानी कि इमेज इस केस में वर्चुअल है, क्या है, वर्चुअल है ना, 66.6 सेंटीमीटर और वर्चुअल इमेज बना है। वर्चुअल का मतलब लेंस के पीछे, यानी कि इसके अगर देखेंगे ना तो अगर ऑब्जेक्ट आपका इधर होगा ना तो इमेज यहाँ पर होगा, इमेज के पीछे आप बने डायग्राम बनेंगे ना तो क्लियरली दिखेगा अभी, तो नो प्रॉब्लम दिख रहा है, यानी इमेज कितनी दूरी पर है, 66.6 सेंटीमीटर दूरी पर और कैसा है, वर्चुअल है, ठीक है, इससे हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। जरूरी था ये सब चीजें नोट करवाना, मिटा दे रहे हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस एन इन्वर्टेड इमेज इन्वर्टेड थ्री टाइम्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, थ्री टाइम्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ, इसको यहां पर करिए इन्वर्टेड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, मैग्नीफाइड थ्री टाइम्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ, देखिए क्या दिया क्वेश्चन में, अ कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस एन इन्वर्टेड इमेज मैग्नीफाइड थ्री टाइम्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, कैलकुलेट क्या है मैग्नीफाइड, ठीक कोई नहीं, देख लीजिए पढ़ लीजिए क्या है और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस एन इन्वर्टेड इमेज, जो वो इन्वर्टेड इमेज मैग्नीफाइड है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट से थ्री टाइम्स मैग्नीफाइड है, ठीक है, प्लेस एट ए डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है कितनी सेंटीमीटर पे, 15 सेंटीमीटर पे, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, कोई नहीं, तो फिर देख लेते हैं फिर क्या करना है, भाई आसान से चीजें इसमें गिवन क्या समझ आ गया होगा ना अब तक, तो पढ़ने के बाद यार कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस इमेज, वो जो इमेज बना रहा है कॉन्वेक्स लेंस वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में थ्री टाइम्स मैग्नीफाइड है और प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 15, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, यानी कि यू की वैल्यू यहाँ पे क्या है -15 सेंटीमीटर, चलो ठीक है, और क्या है न तो यू का पता है न तो एफ, तो खैर कैलकुलेट करना है, मैग्नीफाइड थ्री टाइम्स, देखिए एम की वैल्यू यहाँ गिवन है, एम है आपका 3, अब सोचेंगे यार एम तो कैलकुलेट किया नहीं 3 क्यों रख दिया, देखिए एम कैलकुलेट नहीं किया लेकिन क्वेश्चन में बोला मैग्नीफाइड 3 टाइम्स इमेज, यानी कि जब भी ये चीजें बोले तो आप समझ जाइए कि एम की वैल्यू यहाँ मिल चुकी है, क्योंकि देखिए जब ऑब्जेक्ट का साइज दिया होता था तब उसके बाद हम इमेज का साइज निकाल के तब हम मैग्निफिकेशन निकाल के हम कहते थे कि ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इतना टाइम्स छोटा है इतना टाइम्स बड़ा है, लेकिन आज इसने क्लियरली बोल दिया कि मैग्नीफाइड 3 टाइम्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज जो है वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, यानी एम की वैल्यू 3 गिवन है आपके केस में, ठीक है, इस केस में चलिए अगर इतना है तो फिर हमको एफ की वैल्यू पता करनी है, तो कोई बात नहीं, एक चीज हम जानते हैं क्या, एम की वैल्यू हमको पता है, क्या पता है,
वी बाई यू, मालूम है ये लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। तो अगर लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पता है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एम की वैल्यू थ्री पुटिंग करते हैं वैल्यूज, ठीक है, एम की वैल्यू थ्री रखा और वी फाइंड आउट करना है। यू की वैल्यू क्या है, माइनस 15, यानी वी यहां से आ जाएगा माइनस 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इमेज देखो कि भाई सही सी बात है, इमेज इमेज क्या है, वो जहां पे ऑब्जेक्ट यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से इमेज 45 सेंटीमीटर की दूर पर बनाया जा करके, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, और वो भी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से 45 सेंटीमीटर की दूर पर बनाया है, ठीक, और लेंस के सामने बनाया है, नेगेटिव साइन ये बताता है, यानी यहाँ पे इमेज कैसा होगा आपका पता है, इमेज आपका सामने है ना, रियल एंड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड तो होगा, क्लियरली रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। चलो रियल एंड इन्वर्टेड है ये तो समझ में आ गया, कैसे, क्योंकि इसके साइन से, नेगेटिव साइन बताता है कि इमेज का पोजीशन जो है वो 45 सेंटीमीटर और लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर, वो भी लेफ्ट साइड यानी कि लेंस के फ्रंट में है, ठीक है, और लेंस के फ्रंट में जो भी इमेज बनते हैं वो कैसे होते हैं, रियल और इन्वर्टेड, मतलब रियल एक्चुअल होंगे और इन्वर्टेड होंगे, उल्टे होंगे। चलो ये हो गया, लेकिन एक्चुअली हमको तो फोकल लेंथ बताना था, तो कोई बात नहीं, वी हमें मिल गया, यू हमको पता है, हम फोकल लेंथ बता देंगे। 1/f = 1/v - 1/u, चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 1/v कितना है भाई, 1/-45 माइनस, इसे लिखेंगे 1/-15, अब इसे सॉल्व करिए, 1/-45 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/15, यानी कि ये, और अगर आप सॉल्व होंगे 15 और 45 कैसे मिलेंगे ना, तो 3/45 ही आएगा, ये हो जाएगा -1 + 3 यानी कि 3, यानी अब और सॉल्व होगा तो 1/f = 2/45, यानी f की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि कितना आ जाएगा ये 22.5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पॉजिटिव आया है, देखिए साइन के साथ सब कुछ, साइन के साथ हमने रखा, उसके बाद फोकल लेंथ पॉजिटिव आया, इसका मतलब कि ये इमेज कैसा है, सॉरी लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग है और कन्वेक्स लेंस है भी, सीधी सी बात है, पूछ तो नहीं रहा था लेकिन दिख भी रहा है, फोकल लेंथ पॉजिटिव किसको शो करता है, कन्वेक्स लेंस को, तो आइए फिर समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो तुरंत मिटाते हैं इसको भी, देख लीजिए इरेज किया जाए, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं उसके आगे का। यूनिट कन्वर्जन की बात है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, एन ऑर्डर 3 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस, देखिए एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये इसको हटा दिया जाए, सॉरी, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस 24 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, इतना है नेचर पोजीशन एंड साइज, ठीक है, तो फिर क्या करना है, गिवन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमारे लिए, गिवन है ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई, यानी आई की वैल्यू, सॉरी ओ की वैल्यू दे दिया है इस बार, कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इज प्लेस 24 सेंटीमीटर अवे, है ना, यानी u की वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस, इस बार माइनस लिखना, हमेशा मान मान के चलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के फ्रंट में रखा हुआ है, ठीक है, और फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है, f की वैल्यू यहाँ पे प्लस 8 सेंटीमीटर, ठीक है, नेचर पोजीशन यानी कि हमसे v की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ आई की भी वैल्यू पूछ रहा है, ये भी बताना हमारे लिए जरूरी है, तभी ना हम उसके साइज को कंपेयर कर पाएंगे, तो नो डाउट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं 1/f = 1/v - 1/u, लेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, यानी 1/8 = 1/v फाइंड करना है, माइनस
ये हो जाएगा माइनस वन बाई 24, यानी 1/8 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/24। यहाँ से 1/v अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1/8 माइनस 1/24, एलसीएम वही हो जाएगा इसका जो पहले जिस तरह से था 24, 3 माइनस 1, ठीक है। यानी ये हो जाएंगे 1/v इक्वल टू 2/24, यानी v आपका आया 12 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इमेज अब कहाँ बना है, इमेज जो है लेंस के बैक साइड में बना है, ठीक है, फ्रंट में ना बन के बैक साइड में बना, 12 सेंटीमीटर दूरी पर। यहीं पे पहले हम वो भी निकाल लें एक बार के लिए। एम तो दिया नहीं है, वी अपॉन यू इज इक्वल टू आई बाई ओ से निकाल लेते हैं। क्या है, वी कितना है 12, यू कितना है -24, इक्वल टू आई फाइंड आउट करना है वो कितना है 3। यहाँ से आपका जाएगा -1/2 इज इक्वल टू आई बाई 3, यानी आई की वैल्यू आएगी -3/2, या यूं कह लीजिए कि -1.5 सेंटीमीटर। इमेज क्या आया है, एक्चुअली माइनस क्यों आ रहा, वह कोई बात नहीं, माइनस आने से क्या होगा, हम हाइट थोड़े ना, हाइट को तो हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे ना, 1.5 सेंटीमीटर माइनस आना इसकी कुछ और चीजों को एक्सप्रेस कर रहा होगा। यानी कि अब यहाँ से अगर आप देख लें एम की वैल्यू अगर यहाँ से आप निकाल लें भी, तो माइनस साइन आने का मतलब क्या है, यहाँ से इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है कि नहीं, इरेक्ट नहीं है, इमेज कैसा है, इन्वर्टेड। अब आपको बता दें हम कि इन्वर्टेड इमेज इस केस में, ठीक है, चूंकि वर्चुअल है तो वर्चुअल के केस में इन्वर्टेड इमेज वैसे तो सिर्फ एक ही केस में, सॉरी इरेक्ट इमेज तो खैर एक ही केस में मिलता है, बाकी सारे केस में तो इन्वर्टेड ही मिलते हैं, तो फिर नो प्रॉब्लम, यहाँ से भी देख लीजिए क्या दिक्कत है, कहीं वैल्यू तो रखने में गलती नहीं होगी। वी बाई यूज वाई बाई वी की वैल्यू कितनी है 12/u है -24 -1/2, अच्छा, और साइन जरा देख लो कोई गलती तो नहीं हो रही है, प्लस इधर गया तो ये माइनस हो जाएगा, फिर हो जाएगा 24 3 3 24 3 -1 2/24 1/12, तो ठीक है 12, ठीक है सही है, नो दिक्कत। तो यहाँ से हम लिखेंगे इमेज, ठीक है, इमेज इज पॉजिटिव आने का मतलब है इमेज इज आपका वर्चुअल, ठीक है, उस केस में अगर आप देखें इसके लिए डायग्राम बनाएं, तो फिर 12 सेंटीमीटर पॉजिटिव आने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा -1.5 सेंटीमीटर, ठीक, और एक मिनट जरा रुकिए, यू हो गया एफ हो गया बी हो गया आई बी नेचर पोजिशन एंड साइज, ठीक है, -1.5 सेंटीमीटर, और इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड एंड, और कितना है, और ये देखिएगा इमेज इस बार ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर का है, तो इमेज जो बना है 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि पहले से आता हो गया, एंड एंड हाफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो आपको दिख रहा है कैलकुलेशन से, ठीक है, देखिए ना ये ऑब्जेक्ट अगर 3 का 3 सेंटीमीटर है तो इमेज कितना है 1.5 सेंटीमीटर, बिल्कुल आधा इमेज, मतलब हाफ इमेज बना है, तो नो दिक्कत। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो भी होगा देख लिया जाएगा। ये भी अच्छे क्वेश्चन है अंदर ढेर सारे। यू द सेपरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज 15 सेंटीमीटर फाइंड द फोकल लेंथ, क्वेश्चन ठीक है, लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज, रियल इमेज ठीक, क्या है अगेन 3 सेंटीमीटर हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाइट,
भाई क्वेश्चंस का पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ना, इन द सेपरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द इमेज। देखिए क्या है, अ लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई ऑफ एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई। देखो अ लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई ऑफ एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई इफ द सेपरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड फोकल लेंथ। देखिए ठीक है, अ लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज इस बार इमेज की हाइट 3 सेंटीमीटर, मतलब कोई ऑब्जेक्ट कोई लेंस है ना, वो 1 सेंटीमीटर हाइट वाले ऑब्जेक्ट का इमेज 3 सेंटीमीटर बनाता है। ठीक है, इफ द और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का सेपरेशन 15 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा तो नहीं बट फिर भी अच्छा है। सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इस बार दिया है, समझ रहे हैं, ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस के बीच, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का इस बार सेपरेशन है ना, पोजिशन इस बार उनका नहीं गिवेन है। तो जरा देखते हैं क्या इसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो गिवेन क्या क्या है जरा देखिए, गिवेन है लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई, यानी यहाँ पे आई की वैल्यू दे दिया है 3 सेंटीमीटर और ओ की वैल्यू दे दिया है 1 सेंटीमीटर। पहली बात तो ये हमको पता चल रही है। ठीक है, अब क्या है, इफ द सेपरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, अच्छा देखिए इसके लिए एक चीज बता रहे हैं, अगर हम मान लेते हैं एक बार के लिए मान लें, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा होता, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा होता, ठीक है, और इसका इमेज जाकर के कहीं यहाँ पे बनता, ठीक है, यहाँ पे इमेज बनता, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इमेज यहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का सेपरेशन यही होता ना, हाँ, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से पहले वी निकालते फिर यू निकालते उसके बाद डी माइनस यू करते, यही चीज आपको मिलती कि नहीं, बात समझिएगा बहुत आज मैं क्या बता रहा हूँ, कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होता और इमेज उसका उधर जाकर के बनता, फिर हम कहते हैं कि सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या है, तो आप क्या बताते हैं, ये ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस ही बताते हैं ना, वो मिल कैसे पाता, देखिए ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा हुआ है उस डिस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, यानी यू, और ऑप्टिकल सेंटर से इमेज जहाँ पे बना है उस डिस्टेंस को बोलते हैं हम इमेज डिस्टेंस, यानी कि वी, यानी कि वी में से आप यू को सब्ट्रैक्ट करते तो इनके बीच का पोजीशन मिलता है कि नहीं, यानी कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में भले ही इन्होंने इस तरह से उधर चीजें कही है लेकिन वे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। ये बात समझ में आ गई, फिर से मैं इसको समझा रहा हूँ, एक अच्छे डायग्राम से समझा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मान लो हमारे लेंस होता, ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होता और इमेज कहीं यहाँ पे जा करके बनता, ठीक है, तो बताओ इनके बीच का जो सेपरेशन है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का सेपरेशन, वो यही है कि नहीं, हाँ इतना ही है, लेकिन ये कैलकुलेट कैसे होता है बताओ, ये ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ से यहाँ तक की दूरी यू है, यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, वी है, यानी ये टोटल वी है और इतना u है, यही ना सेपरेशन चाहिए, ये सेपरेशन कैसे मिल जाएगा, v माइनस u से। अगर इतना समझेगा तो देखो ये क्या कह रहा है, इफ द सेपरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 15 सेंटीमीटर, तो गिवन में एक और चीज है ATQ, ये देखिए आपको समझ जाना पड़ेगा, v माइनस u इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं बार बार इसको अभी क्लियर किया, अभी तक के क्वेश्चन में इस तरह इनकी जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन उन्होंने इस बार बोल दिया कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, इतना समझ में आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन बनाना हमारे लिए बहुत आसान था, क्वेश्चन में इन्होंने बोला था कि इफ द सेपरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज 15 सेंटीमीटर, तो उसको मैंने एग्जांपल से बताया कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता इमेज यहाँ पे बनता तो सेपरेशन उनके बीच का यही होता, और निकालते कैसे, वी माइनस यू करके, तो वी माइनस यू 15 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब हम क्या फोकल लेंथ हमें बताना है ना, तो नो दिक्कत, पहले क्या करेंगे, ये इक्वेशन मान लेंगे 1, बात समझ में आ रही बेटा, अब क्या करेंगे, आई और ओ की मदद से, आई और अब यहां से जाते, इसको एकदम अलग कर देते हैं, ये समझ में आ गया ना। अब आई और ओ की मदद से हम एक रिलेशन वी और यू में बनाएंगे, हमें पता है वी अपॉन यू इज इक्वल टू आई बाई ओ भी होता है, तो बताओ वी अपॉन यू यहां से क्या आ जाएगा, आई है आपका 3, ओ है आपका 1, यानी कि वी अपॉन यू इज इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है, यानी हम यहां से ये कह सकते हैं v is equal to 3u, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दें, और फर्स्ट और सेकंड से u v निकाल के
लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो बताओ यहां से पुट वी पुट वैल्यू ऑफ वी इन इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन लिख रखिए वी इज इक्वल टू 3u माइनस u इज इक्वल टू 15 यानी 2u इज इक्वल टू 15 यानी u आ जाएगा 7.5 ठीक है 7.5 सेंटीमीटर है ना। और अगर u आ गया तो सेकेंड इक्वेशन से यहाँ से बताओ v कितना आ जाएगा 3 × 15 या यूँ कह लीजिए 3 × 7.5 जो कि आ जाएगा 15/22.5 सेंटीमीटर यानी v भी मिल गया आपको और u भी मिल गया। अब आसान है हमारे लिए फोकल लेंथ बताना, तो बताओ लेंस फॉर्मूला यूज करना है यहाँ तक समझ में आएगा ना u भी निकाला कैसे हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया u और v की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब u भी आ गया तो हम फर्स्ट इक्वेशन से फोकल लेंथ बता देंगे 1/f = 1/v। अच्छा v इतना है देखो हमें 1/v और -1/u चाहिए, u अगर इतना है तो 1/u कितना होगा 1/u वो होगा 1/7.5 हां इसी को अगर और ऊपर ले जाओगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10/75। बात समझ में आ रही होगी यहां से 1/u कितना है 10/75 सिमिलरली 1/v कितना हो जाएगा 1/22.5 यानी कि और ऊपर ले जाएंगे तो 10/225 तो 1/v - 1/u 1/v कितना अभी अभी हमने निकाला 10/225 माइनस 1/u कितना हमने निकाला 10/75। आइए अब समझ में आ रहा होगा 10 को कॉमन ले लीजिए 75 और 225 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15 से कर लीजिए तब 25 से ले जाए ना 10 9 3 और ये 225 ही आएगा 225 वन माइनस 75 से इसको करेंगे तो ये करीबन आ जाएगा 150 3 बार में 30 आ जाएगा ठीक है 3 बार में जाए तो ये 10 हमने कॉमन ले लिया है और सीधे एलसीएम लिया था एलसीएम 225 आया ठीक है 10 कॉमन लेके एलसीएम 225 कैंसिल आउट किया 1 माइनस 75 से 225 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा करीबन 3 बार में 3 1 जा यहाँ पे ऐसे भी 10 बाहर जा चुका है 1 - 3 यानी कि स्पेस है मेरे पास यानी कि हम यहीं से अब क्या करते हैं थोड़ा और आगे आते हैं क्या हमारा वैल्यू ये नहीं है, है हमारा 1/f = आ रहा है 1 में से 2 जाएगा यानी कि 10 × -2 ठीक है -2/225 यानी 1/f = आ जाएगा -20/225 या रिवर्स कर दीजिए तो f आ जाएगा 225/-20 यानी कि f की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आ जाएगा 11.25 सेंटीमीटर माइनस है यानी कि इस बार लेंस कैसा है हमारा कॉन्वेक्स लेंस सॉरी कॉन्केव लेंस है ठीक है। मैं फिर से एक बार इसको समझा रहा हूँ क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक ऑब्जेक्ट जो है रियल इमेज बना रहा था सॉरी कि लेंस था वो किसी ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट 1 सेंटीमीटर थी उसका 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक रियल इमेज बना रहा था ठीक है। अच्छा रियल इमेज बना रहा था गलती हो गई एक और चीज बहुत छोटी सी गलती हुई है रियल इमेज बन रहा है ना तो यहाँ पे जो वी की वैल्यू आएगी वी की वैल्यू जो भी आएगी रियल इमेज बन रहा है तो रियल इमेज के लिए वी कैसा होता है एक्चुअली रियल होना है ना तो वी नेगेटिव होगा तो यहाँ पे वी आएगा भले -20 लेकिन हम इसको माइनस रखेंगे फिर से याद ध्यान दीजिए ठीक है रियल इमेज बन रहा है ना तो यहाँ पे माइनस हम रखेंगे माइनस के रखने से कुछ नहीं होगा बस माइनस का अंतर आएगा और ये प्लस हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं आप हम वी को यहाँ इसलिए नेगेटिव रख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में रियल इमेज बोल रहा है और रियल इमेज जब भी लेंस बनाएगा तो कैसा बनाएगा वहां पे वी की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी यानी कि लेंस के सामने इमेज बनेगा ठीक है। तो साइन कन्वेंशन जरा से भी इधर उधर होगा तो खैर आंसर इधर आपका मिसमैच होगा ही लेकिन फिर भी अगर आप प्रिकॉशन से करेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। तो क्वेश्चन सबने बड़ा आराम से आई यू निकाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये था कि इफ द सेपरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज वी माइनस यू दिया था हमें हमने इसके हेल्प से इक्वेशन बनाया और आई बाय यू और इस रिलेशन से एक इक्वेशन बनाया फिर इन दोनों को सॉल्व किया तो वी की वैल्यू यू की वैल्यू पहले आई थी हमारी 7.5 फिर वी की वैल्यू -22 एक्चुअली आई थी 22.5 लेकिन हमने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि रियल इमेज होने से हमने वी को क्या लगाया माइनस फिर वैसे ही वैल्यू रखा हमने यहाँ पे तो वी यहाँ पे हमारा माइनस के साथ रखा जाएगा ठीक है और बस करना कुछ नहीं था आंसर में माइनस का प्लस आएगा लेंस हमारा कॉन्वेक्स ऐसा है बात समझ में अगर ये हो गया तो हम इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है देख लेते हैं। रिलैक्सो के बस फॉर्मूले रखिए, याद रखिए, और फिर उनके साइन को उनको पूरे प्रिकॉशन के साथ रखिए, सर में जंग आसानी से आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन था है कि नहीं, ठीक ठाक क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारा कि ठीक है क्वेश्चन से, कोई अच्छे क्वेश्चन से मैं देख नहीं रहा है, फिर भी अगला है। अब मैग्नीफाइंग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा है करीबन इस टॉपिक से, और इस टॉपिक में न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन हैं जरूर, लेकिन उतने नहीं है, ठीक है। एनर्जेटा 5% रख दिया, क्या है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ पावर -10 डायोप्टर, फाइंड द साइज ऑफ इमेज, ठीक है। इस बार इमेज की साइज पूछ रहा है, और लेंस कैसा है हमारा, कॉनकेव है, और कॉनकेव लेंस का पावर नेगेटिव होता भी है क्योंकि उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए गिवेन क्या है, इस चीज को आप राइट डाउन करेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट यानी कि वो दे दिया है इस बार 4 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, यू दे दिया है 15 सेंटीमीटर माइनस के साथ, और पावर आपको दिया है कितना, -10 डायोप्टर। अब देखिए पावर पावर डायोप्टर है, पावर की मदद से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं साइज पूछ रहा है इमेज का ना, तो उसके लिए ठीक है, साइज पूछ रहा है तो भाई पावर के लिए पावर इज इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। तो यहाँ से f आ जाएगा 1/d, ठीक है, सॉरी 1/p, पी आपको इतना है, यानी कि एफ आ जाएगा -1/10 मीटर में आएगा, ठीक है। याद रखिए क्योंकि यहाँ पे पावर जो है डायोप्टर में है, तो फोकल लेंथ किस में आएगा, मीटर में आएगा। मीटर में अगर फोकल लेंथ है तो इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए, कितना आ जाएगा, -1/10 × 100 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ आपका आ जाएगा -10 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ हो गया 10, यू हो गया, वो हो गया, तो ठीक है कोई बात नहीं, एफ मिल गया, यू मिल गया, वी निकाल लीजिए यहाँ से, 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। 1/f कितना है, -1/10 = 1/v, फाइंड ही करना है -1/15, ठीक है। वैल्यू सीधा साइन के साथ रखते जा रहे हैं, बिल्कुल घबराएंगे नहीं, एग्जैक्टली जो जो हमारे रिलेशन में जो कुछ है उनको सीधा साइन के साथ रख रहे हैं। -1/10 = 1/v, ये हो जाएगा +1/15, इसे इधर रिप्लेस करेंगे तो 1/v = -1/10 - 1/15, ठीक है। इधर जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा, 1/v यहाँ से जाएगा, 10 और 15 कैल्सियम अगर आप देखेंगे तो 2, 3, 30 आ जाएगा, ठीक है, 2 और 3 कौन से किया था, 10, 30, तो 3 हो जाएगा, तो -3 + 2 - 15 2 और -2, यानी कि यहाँ से 1/v आपका आ जाएगा -5/30, और v कितना आ जाएगा, -10
6 सेंटीमीटर। वी अगर -6 सेंटीमीटर आ गया तो हमसे साइज ऑफ इमेज पूछ रहा था, तो वी अपॉन यू इज इक्वल टू आई बाई ओ। वी कितना बेटा आपने निकाला, -6, यू कितना है -15 इज इक्वल टू वाई आपको फाइंड आउट करना है, ओ कितना है 4। सीधा वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। वी यू ओ हमें पता था तो हमने सीधा उनको पुट कर दिया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा आई 24 अपॉन 15, ठीक है। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो जाएगा 1.53 सेंटीमीटर लगभग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी इमेज की साइज 1.53 सेंटीमीटर आएगी। सेंटीमीटर है क्या, हाँ ठीक है सेंटीमीटर, ओके। तो इसे मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक क्वेश्चन था, कॉन्केवनेस पे था, अच्छा था। यानी कि देख रहे हैं ना आप, कुछ नया नहीं हो रहा है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि मैं बार बार लेंस फार्मूला, ठीक, और उसके बाद मैग्निफिकेशन, इन्हीं की मदद से नेचर, पोजीशन, साइज, सभी इमेज की हम बार बार डिसाइड कर ले रहे हैं, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे इसके पहले जितने क्वेश्चन हमने कराए थे वो भी काफी थे, है ना। तो रिलैक्स होकर करेंगे तो सारे हो जाएंगे। इसे हम इरेज करते हैं और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब सोच रहे हैं कि कुछ पावर वाले भी क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा कर ले हैं कि नहीं, पावर उनके लेंस की कॉम्बिनेशन वगैरह वाले भी है ना, आसान है सारे। बस थोड़ा सा यही है कि बस अगर आप लेंस के फॉर्मूलों को अच्छे से यूज करें, उनके उनके फॉर्मूले में जो भी आपके टर्म मौजूद है उनको विद साइन के साथ अगर प्रॉपर तरह से आप पुट करें तो रिजल्ट काफी बेटर मिलेगा, बेटर क्या सही सही मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा राइट आई लेफ्ट आई तो नहीं है ऐसा करके, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कहाँ है यार, 25 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ इतना है, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ एंड कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड प्लेस इन कॉन्टेक्ट विद लेंस, क्या दिया है, प्लेस इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद ईच अदर आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट। क्या हमें फाइंड करना है, पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। अच्छा फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है, काफी चीज बता सकते हैं हम इसमें। फर्स्ट पूछ रहा है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है, पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। सेकेंड पूछ रहा है फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, मतलब क्या है कि दो लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल और फोकल लेंथ कितना है, 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 25 है ना, ठीक है। थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखने के लिए पूरा मुझे पढ़ना पड़ रहा है उस बुक के क्वेश्चंस को। और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, मतलब कि एक बार एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, कॉन्केव लेंस लिया, उनको क्या किया आपस में कॉन्टेक्ट में ला दिया, उनको आपस में जोड़ दिया, तो क्या कह रहा है इस कॉम्बिनेशन का जो पावर क्या होगा और इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा। अच्छा तो अगर गिवन क्या है जरा देखें, अगर इसके फोकल लेंथ को अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ को हम क्या नाम दें, F1, ठीक है, तो कितना है 25 सेंटीमीटर, और कॉन्केव लेंस के फोकल लेंथ को नाम दें हम F2,
तो वो कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहली बात तो सुनिए, जो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। इतना समझ आ गया। चलो पावर हमें बताना है, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है। ठीक है, आप चाहें तो इनको मीटर में भी बदल सकते हैं या फिर पावर को, एक्चुअली पावर का स्टैंडर्ड यूनिट तो डायोप्टर होता है, इसलिए हमको इसको फुल मीटर में बदलना ही पड़ेगा। तो यहाँ से एफ वन जो हो जाएगा वो 25 है ना अपॉन 100 यानी कि 1/4 मीटर हो जाएगा पॉजिटिव, और एफ टू कितना हो जाएगा, एफ टू हो जाएगा -10/100 यानी कि -1/10 मीटर। एफ वन एफ टू मिल गया। चलो तो एफ वन के करस्पॉन्डिंग क्या निकालते हैं, पी वन। पी वन किसका पावर होगा, कॉन्वेक्स लेंस का। पी वन क्या होता है, 1/F1 होगा। यहाँ से पी वन आपका जाएगा 1/F1 की वैल्यू है 1/4 यानी पी वन आपका एक्चुअली आया +4 डायोप्टर। ठीक है, पी वन ही आया। पी टू क्या आ जाएगा, पी टू इज इक्वल टू आ जाएगा, पी वन को ब्रैकेट कर देते हैं इन ब्रैकेट, पी टू आ जाएगा 1/F2 यानी यहाँ से आ जाएगा 1/F2 की जगह क्या रखेंगे -1/10। ठीक है, -1/10 जो कि आगे चल करके पी टू हमको दे देगा, ऊपर आ जाएगा -10 डायोप्टर। देख रहे हैं पी वन और पी टू कितना आ गया, प्लस और माइनस साइन के साथ। तो अब पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, पी वन प्लस पी टू जो कि हमारा पी होगा, यानी पी आ जाएगा आपका क्या 4-10। ठीक है, यानी कि पी आ जाएगा -6 डायोप्टर। लो -6 डायोप्टर यानी कि रिजल्टिंग पावर बनेगा, मतलब नहीं समझ रहे हैं आप, कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस का अलग अलग फोकल लेंथ दिया था, उनको हमने आपस में प्लेस किया, आपस में टच करा के रखा दिया, कॉन्टेक्ट करके एक नया कॉम्बिनेशन बनाया, तो उस नए कॉम्बिनेशन का पावर क्या मिला हमको, -6 डायोप्टर। लेकिन इसके पहले हमने क्या किया, पहले उनके फोकल लेंथ को जनरली सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करके उनके फोकल लेंथ के करस्पॉन्डिंग पावर उनका निकाल लिया, पी वन पी टू आ गया, तो उनको नॉर्मली एड अप कर दिया साइन के साथ, तो फाइनल आंसर है -6 डायोप्टर, यानी कि पावर निगेटिव है। और बताए मैं आपको, जब भी निगेटिव पावर आता है तो वो कैसा नेचर हो जाता है, उसका डाइवर्जिंग हो जाता है कि नहीं। पॉजिटिव किसके लिए होता है, पॉजिटिव यार यहाँ पे पावर किसकी ज्यादा है, उस लेंस की ना, कॉन्केव वाले की, बस साइन का ही तो डिफरेंस है, वो कॉन्केव लेंस वाला ज्यादा डाइवर्जिंग नेचर का है, और कॉन्वेक्स लेंस वाला जो है वो कम कन्वर्जिंग लेंस नेचर का है। पावर क्या बताता है, पावर मेजर ऑफ डिग्री ऑफ मेजर ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस बताना है ना, तो 410 यानी ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में डाइवर्ज कर सकता है। तो ये जो नेचर होगा वो कैसा होगा, नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन पूछता है, तो नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन इज डाइवर्जिंग। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आए हो आप लोग करेंगे, फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन जोड़ दीजिए, F1 F2 निकाले ना, अभी कहाँ निकाला था आपने, देखा 25 और 10 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो सिंपली ऐड कर देना है। तो नहीं वहां से नहीं, एक्चुअली वहां से फोकल लेंथ के लिए एक और तरीका होगा, इसका फोकल लेंथ निकालना है ना, तुमको ऐसे बनना पड़ेगा, यहाँ से 1/F = ये वाला फॉर्मूला अपना निकालना, 1/F1 + 1/F2 बात समझ रहे हैं ना, ये चलना पड़ेगा आपको। 1/F1 कितना आपने निकाला है वहां से देखिए 25, और F2 माइनस है ना, तो -1/10 यानी यहाँ से 1/F आ जाएगा, 25 और 10 कैसे मगर आप लेंगे ना, यह आपका 2, 5 ठीक है, 50 आएगा, ये 2-5 यानी कि 1/F आपका वैल्यू आएगा -3/50 यानी फाइनली F की जो वैल्यू आएगी ये आपकी आएगी -50/3। तो देखिए दोनों चीजें थी, उस कॉम्बिनेशन का पावर और उस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऐसे नहीं करेंगे कि सीधा ऐड अप कर देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे, फोकल लेंथ को इस फॉर्मूले से लेकर करेंगे, 1/F = F1 + 1/F2 मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कैसे सॉल्व करना है, अगर कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे तो, जब दो लेंस को आपस में कॉन्टेक्ट में रखते हैं तो रिजल्टेंट जो लेंस बनता है या रिजल्टेंट जो कॉम्बिनेशन बनता है उसका फोकस क्या होगा, सॉरी उसका फोकल लेंथ क्या होगा और उसका पावर क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला मिला था, पी मिला था P1 + P2, फोकल लेंथ मिला था 1/F = 1/F1 + 1/F2। सो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, यानी नेचर क्या होगा पूरे कॉम्बिनेशन का, डाइवर्जिंग होगा, और उसका फोकल लेंथ कैसा कितना होगा, -50/3, और फोकल लेंथ देखिए नेगेटिव भी आ रहा है, और यहाँ देखिए साइन फोकल लेंथ नेगेटिव का मतलब क्या है, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आता है तो इसका मतलब वो लेंस जो होगा कॉम्बिनेशन कैसा होगा, वो कन्वर्जिंग सॉरी डाइवर्जिंग यानी कि कॉन्केव ज्यादा उसमें
मतलब डाइवर्जिंग ज़्यादा नेचर का होगा। तो देखिए आज तक के पूरे डिस्कशन में पूरे मतलब जितने आपके सिलेबस तक के थे मैंने सारे टच किए हैं, आई होप आपके सारे समझ में आए होंगे। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा, वो टोटली किस पे स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी में। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का जो न्यूमेरिकल सॉरी लेक्चर मिलेगा अभी थोड़ा कुछ देर बाद, मतलब कुछ दिन उसमें लेट हो सकते हैं क्योंकि अभी हम लोग नाइन्थ और इलेवेंथ के भी प्रॉपरली हम लोग केमिस्ट्री की भी प्लान की जा रही है, तो फिर हो सकता है उससे लेट होगा। जैसा भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है।